के आता है आज की क्लास से। ओके चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई गायत्री मंत्र के साथ में। सभी लोग जो भी जहां भी बैठा है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे और भगवान का धन्यवाद करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, आप हमारी बुद्धियों को सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से भर दे, ऐसी बारंबार आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी मंगल प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। ओके, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में। और ठीक है जी, आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी और अच्छे से तैयार कर लिया होगा आपने सारा सिस्टम जो भी करना है एग्जाम में, राइट। और हमारे साथ में गीता और राज जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि दो एक्सपर्ट बन गए हैं एग्जाम के, क्योंकि दोनों ने एग्जाम इस बार दे लिया है और उनके माध्यम से हमें कुछ क्वेश्चंस निकल करके भी आ जाएंगे, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले एग्जाम में, यानी कि कल के एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन मदद आपको मिल जाएगी आज के इस सेशन से और बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि अभी तक भी ऐसा ही पैटर्न रहा है, क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अभी भी तीन चार एग्जाम हो चुके हैं, तो तीनों चारों एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, राइट। अदरवाइज ये मान करके चलिए कि अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो उसके आसपास की चीजें पूछी जा रही हैं, थोड़ा थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कल के एग्जाम में भी मैं बता देता हूं आप लोगों को, 50% वी कैन गैस, 50% हम लोग गैस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे, बाकी 50% बचते हैं आपकी श्रद्धा के ऊपर। मैं तो 100% का भी गैस मार सकता हूं कि ये 100% मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, बट एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या बनेगा वो बताना बड़ा मुश्किल होता है और बता भी नहीं सकते, इतने अंतर्यामी नहीं है भाई कि पेपर खुद बनाया हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको डोमेन एरिया कहाँ से पूछा जाता है, जो क्लास में बताया है मैंने, लगभग देखा है कि लगभग उसी एरिया से क्वेश्चन आए हैं जो हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से आने वाला है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम में कैसे आप लोगों ने मतलब कंडक्ट रखना है, कैसे रहना है। तो सबसे पहले तो यदि आप एग्जाम ऐसी जगह पे दे रहे हो जहाँ पे भीड़ ज्यादा जाएगी, तो गर्मी होना स्वाभाविक है। दोपहर को अगर आपका एग्जाम है तो बहुत ज्यादा गर्मी मिलने वाली है, हॉल में भी आप बैठ सकते हैं और हो सकता है बहुत सारे लोग वहां पर हो, तो ये स्ट्रेस आप मान करके चलिए कि आपके साथ रहेगा। तो कोई भी ये सोच के ना चले कि वहां पे AC लगा हुआ मिलेगा, पूरी सुविधाएं मिलेंगी, मौज मस्ती रहेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पसीनम पसीना होकर के भी एग्जाम देना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए अपने आप को रखिए तैयार सभी लोग, राइट। ओके, अपना पानी अपने साथ लेकर के जाएं, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेकर के जाएं, छोटी बॉटल ले जाना, क्योंकि 3 घंटे में प्यास लगना स्वाभाविक है और ट्रांसपेरेंट बॉटल ही अलाउड है। तो बाकी बॉटल जो भी है आपके पास में रिजेक्ट हो जाएंगी, ना लेकर के जाइएगा, सिर्फ ट्रांसपेरेंट बॉटल आप लेके जाइएंगे, ठीक है। ओके, इसके अलावा एग्जाम में पेन आपको अंदर ही मिलेगा, एडमिट कार्ड का जो सिर्फ फर्स्ट पेज होता है, पहला पेज वही रिक्वायर्ड है, बाकी 2 पेजेस की आवश्यकता नहीं है। प्रिंट आउट सभी लोग नहीं है तो फ्रेश अभी निकलवा लीजिए, अपना एक एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। प्रेफरेबली यदि वो कलर पेज है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, नो इश्यूज फॉर दैट। 2 फोटोज अपने लेकर के जाइएगा एग्जाम में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लेकर के जाना है, अपना दिमाग अपने साथ लेकर के जाएं, अपना कंसाइंस और अपनी शांति अपने साथ लेकर के जाएं, ठीक है। पेशेंस के साथ आईडी नहीं लगेगी सर, कोई आईडी नहीं, आईडी एक आईडी, यस आधार कार्ड अपना लेकर के जाएं, और जिन लोगों के पास आधार नहीं है तो दूसरा कोई आईडी लेकर के जाएं, ठीक है। पैन कार्ड की बजाय आप अपना जो वोटर आईडी होता है वो लेकर के जाएंगे, ठीक है। और बढ़िया रहेगा कि आप अपना मतलब सिर्फ आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से काम चल जाएगा, ठीक है। पेन आपको अंदर ही मिल जाता है, फिर भी एक आध सेंटर पे थोड़ा समस्या रहती है, तो ट्रांसपेरेंट पेन लेकर के आप जाएंगे, 2 रुपए वाला जो सिंपल पेन आता है जिसके अंदर से कुछ नहीं दिखता, या मतलब सब आर पार दिखता है, इंक दिखती है, ऐसा, राइट।
पेन का कोई बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, रफ पेज आपको अंदर ही मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, अब बता देता हूं कि आगे क्या होने वाला है, राइट। तो अब है क्वेश्चंस की बारी, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, समय कितना देना है पेपर वन को, पेपर टू को कितना समय देना है। तो 1 घंटा आपने देना है पेपर वन को, 1 घंटे से ज्यादा समय मत दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 70-75 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। 10-15 मिनट ऊपर ले सकते हो, वो भी मैंने मार्जिन पूरा छोड़ दिया तब बता रहा हूँ, 10-15 मिनट और ले लेना, अदरवाइज इससे ज्यादा समय अगर पेपर वन को दोगे तो पेपर टू विल बी लेंदी, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, आप लोगों का पेपर टू लेंदी होने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि समय नहीं बचेगा पेपर टू के क्वेश्चंस को रीड करने का भी, वहां पर आपको बहुत मतलब 4-4 स्टेटमेंट मिलने वाले हैं और 4 में से 2-3 सेलेक्ट करने हैं, ऑर्डर में लगाने हैं, तो क्वेश्चन पढ़ने का भी समय नहीं मिलेगा, इसलिए समय का बड़ा ध्यान रखना है, समय की बर्बादी नहीं करनी 1 मिनट की भी, ठीक है। ओके, और वॉशरूम वगैरह अपना पहले से ही टॉयलेट वगैरह करके जाएं, क्योंकि वॉशरूम आपको गंदे मिलने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए एग्जाम से पहले अपना सुसु सब करके जाना भाई, जो जिसको जो करना है, फ्रेश होना है तो फ्रेश होके जाओ, चाय कॉफी पी के जाओ ताकि दिमाग खुला रहे, ठीक है। ओके, अगली बात है कि एग्जाम में समय के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ऐसा जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, शालू जी बता रही थी कि समय हम ऐसे करेंगे कि 15 मिनट में पूरी रीडिंग कर लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला है, कोई फर्स्ट रीडिंग नहीं है, कोई सेकंड रीडिंग नहीं है, कोई समय आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, यू वॉन्ट गेट टाइम, बात समझे। आप लोगों को एक बार क्वेश्चन पढ़ लोगे, इतना समय मिल जाए, महान समझना अपने आपको कि मेरे को एक बार क्वेश्चन पढ़ने का समय मिल गया, ठीक है। तो पहली बार में ही क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, ठीक से डिसाइड कर लेना है कि वेदर दिस क्वेश्चन मेरे को आता है या नहीं आता, नहीं आता जयराम जी की तुक्का लगाओ आगे बढ़ो, ठीक है। आता है उसको उसी समय सोच करके उसका जवाब टिक करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आता है तो यस, नहीं आता है तो नो, माने तुक्का आगे बढ़े, ठीक है। बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, 4 से 5 पूरे फॉर्मेट में 4 से 5 क्वेश्चन मुश्किल से ऐसे होने चाहिए जिनमें आपको एक्सट्रीम डाउट रहे कि ये क्वेश्चन, ये आंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो बिल्कुल डाउटफुल लगेंगे उनको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू बाद में देखने के लिए। ओके, अगली बात है, जिसको आपने मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, वहां गड़बड़ हो जाएगी, मार्क फॉर रिव्यू जरूर करना है, सो दैट लास्ट में आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके छूटे हुए, राइट, और इनको मैंने रिव्यू के लिए रखा है। और गलती से समय पूरा भी हो जाए तो आपका पेपर सबमिट होने से पहले जो आप कर चुके हो वो एटलीस्ट आपका एक आंसर पोस्ट माना जाए, राइट। खाली छोड़ दोगे तो कोई आंसर नहीं रह जाएगा, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू में आपने जो टिक कर दिया एटलीस्ट उसकी वैल्यू रहती है, समझ गए आप लोग। ओके, रही बात अगली डीआई की, डीआई लगभग लगभग या तो स्टार्टिंग में रहेगा या एंड में रहेगा, 5 क्वेश्चन एक साथ रहते हैं, तो डीआई आप या शुरू में करिए या बाद में करिए, दैट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। अगर आप डीआई में अच्छे नहीं है तो उसको एंड में करिएगा, अगर आप डीआई में अच्छे हैं तो आप उसको सबसे पहले करिएगा। दूसरी बात, अगर डीआई में आप बहुत ज्यादा खराब हैं, आप चाहते हो कि बहुत समय लगता है मुझे और डीआई जो है करना है, तो कब करना है, जब सेकंड पेपर भी खत्म हो जाए उसके बाद डीआई पे आना, ठीक है। पहला पेपर कंप्लीट करो, दूसरा कंप्लीट करो, फिर डीआई पे आओ। अगली बात, डीआई के 5 क्वेश्चन धरे के धरे फोकट के हैं, फ्री के हैं, इन्हें गंवाने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। गए तो 5 क्वेश्चन गए, 5 क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और डीआई में तुक्के काम नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, ठीक है। तो अकड़ बकड़ बम्बे वो वहां पे बिल्कुल नहीं चलेगा, वहां पे 100 में से पूरे काटा हो जाएगा, ठीक है। तो डीआई के लिए ये बात रखिएगा याद। अगली बात बता देता हूँ, पैटर्न में क्या पूछ रहा है, डीआई में ज्यादातर आपको 2 ही चीजें पूछ रहा है, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है, परसेंटेज और रेशियो। अब पहले क्या होता था, परसेंटेज से ही आ जाते थे लगभग सारे डीआई वाले क्वेश्चंस, इस बार डीआई के साथ में रेशियो को मिक्स कर रहा है, परसेंटेज के साथ में रेशियो को मिक्स कर रहा है, तो आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन और
परसेंटेज, ये दो चीजें जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है उनको करना आवश्यक है। डीआई उन्हीं से हो जाएगा, वो कर लिया तो डीआई हो गया, ठीक है। डीआई में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का खेल है, राइट। ओके, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूं, 20% ऐसे आ रहे हैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, 20%, राइट। नए क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको शायद गूगल पे भी ना मिले, ओके। और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको इजी मिल जाएंगे, कुछ मॉडरेट मिल जाएंगे, कुछ में दिमाग लगा के काम हो जाएगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बार बार मतलब फ्लो में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब की बार थोड़ा सा ट्रेंड अलग है, तो हट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किसी भी यूनिट से। तो ये मत सोचना कि बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, तो जो लोग अब असली परीक्षा यहाँ पे आ गई है, जो टीचर्स भी ऑनलाइन पढ़ाने में यूट्यूब वीडियोज में या इधर उधर जितने भी ज्यादा ये करते रहते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, PYQ लगा लो, PYQ कर लो, 10 साल के कर लो, जे कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं भैया, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम्हारे PYQ से, ठीक है। तो और जो बच्चे भी अंधा भक्त होकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीछे पड़े रहे, गारंटी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन नहीं आनेगा, 50 में से एक क्वेश्चन भी रिपीट कर जाए तो देख लेना, मुश्किल से कोई एक रिपीट कर जाए तो अलग बात है, 48 क्वेश्चन कम से कम आपको नए ही मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, तो इस बात का भी आप लोग रखिएगा ध्यान कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करने हैं, नए क्वेश्चंस आएंगे। आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जो क्लास में पढ़ाया उसको ध्यान से एनालाइज करके क्वेश्चन को तब जवाब दीजिएगा, ठीक है। ओके, और समय का मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे डिवीजन करना है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सारी चीजें हो गई हैं। अब वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूं कि क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अभी किसी को कोई डाउट है तो पहले डाउट वाली बात कर लो। एक्सेल शीट से क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है, ये भी बता देता हूँ, हर एक एग्जाम में एक्सेल शीट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सेल से रिलेटेड। तो दिस इज न्यू इन द सिलेबस, राइट। आपके कंप्यूटर का ICT का बेसिक नॉलेज का पार्ट है एक्सेल, लेकिन अभी तक एक्सेल शीट से सिर्फ एक्सटेंशन पूछे जाते थे कि एक्सेल शीट का एक्सटेंशन क्या होगा, वर्ड का एक्सटेंशन क्या होगा। इस बार एक्सेल शीट के फॉर्मूले पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन तो पक्का है भाई कि एक्सेल शीट से आएगा, हो सकता ना भी आए, लेकिन अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं हर एक में पूछा गया है एक्सेल शीट का क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन था वो भी बता दूंगा मैं, और आप लोगों के एग्जाम में भी सेम टू सेम आने के चांसेस हैं तो वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई फिलहाल के लिए कुछ डाउट है तो बताओ, फिलहाल के लिए कुछ डाउट है तो बोलो, 10 सेकंड दिए। चलिए ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। और अगली बात बता देता हूं कि जो आपका लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार, लॉजिकल रीजनिंग में भी भूल जाओ कि पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, पुराने पैटर्न से 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी 3 क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी नई टाइप के मिलेंगे। नई टाइप के क्वेश्चन समझते हो, अब वो चीजें नहीं पूछ रहा है कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से बता दो, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया कल के एग्जाम में, और क्वेश्चन गहराई से पूछ रहा है। अब बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा एग्जाम पूछे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भैया फैलेसी से, फैलेसी माने हेतुआभास, हेतुआभास से पूछ रहा है, और इंडियन फिलोसफी से, भारतीय दर्शन से पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन नहीं, 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भारतीय दर्शन के। तो अब देख लो तुम लोग कैसे मतलब मैनेज होगा, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले तो DI का ही क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को जो एग्जाम में आया था एग्जैक्टली। हाँ, DI में एक चीज याद रखना, लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी
क्वेश्चन क्या आया था, कल जो क्वेश्चन था वो ये था, एक साइड आपको ईयर दिया गया था, दूसरी साइड आपको दिया था नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने वोट पड़े, ठीक है, वोटों की संख्या आई थी। उसके बाद अगले कॉलम में आया था परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स, मतदान में जो वोट गिरे उनमें से वैलिड कितने थे, यानी कि वैध वोटों की संख्या, वैध वोटों की संख्या आई थी, परसेंटेज में आई थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट कॉलम आया था आपका रेशियो ऑफ, एक मिनट अभी कैसे एडमिन करेंगे, चलिए, सो लास्ट में आया था आपका रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, वैलिड वोट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ईयर दिए गए थे 2018, 2019, 20, 21 एंड 22। उसके बाद यहाँ पे आपको दिए गए थे नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो 2018 में कितने वोट पोल हुए नहीं बताया। उसके बाद में 19 में जो वोट आए 1,000, 20 में वोट आए 2,000, 21 में कितने आए नहीं बताया, अगले में आए 5,000, ठीक है। अगला था परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स, यहाँ पे परसेंटेज दो में नहीं दी गई थी, तीसरे में बोला 38%, चौथे में बोला 60%, और उसके बाद बोला 40%, ठीक है। यहाँ पे दिया गया था आपको रेशो, पहला था 5:3, दूसरा था 5:4, अगला था ब्लैंक, अगला था 7:5, अगला था ब्लैंक। और मैं आप लोगों को जो एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको पूरा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। तो जो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो कल के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन विद ऑल द वैल्यूज, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अब बात है कि क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, पांच क्वेश्चन पूछे गए थे। पहली बात तो भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पे वैल्यूज मिसिंग है, देखो ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, और ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, इतनी सारी वैल्यूज मिसिंग है। आपको आपस में एक तो ये वैल्यूज निकालना आना चाहिए कि कहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनका यूज होने वाला है। अभी एक क्वेश्चन बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि 2021 में, इन 2021, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ये दिया गया था कितना, 300, ठीक है। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन 2021, बताइए 2021 में टोटल कितने वोट पड़े। तो भैया समझ लो, एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे करोगे, ठीक है। तो जल्दी से जो लोग आंसर निकाल सकते हैं निकालिए, अदरवाइज फिर मैं आंसर निकालता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। डीआई में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग वो टेबल वाले क्वेश्चंस तो सब कर ही लो, और साथ में मैथमेटिकल रीजनिंग में जो रेशो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है, एवरेज वाला चैप्टर है, उसको भी आपने करना है, वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने आंसर दिया हो अभी तक तो जल्दी से बता दे। दो हजार इक्कीस में डिफरेंस दिया हुआ है वैलिड वोट्स का, मेल्स एंड फीमेल्स का, 300,
और पूछा है ये नंबर ऑफ वोट्स बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन बता देता हूं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इफ नंबर ऑफ वॉट्स इंक्रीज बाय 600% फ्रॉम, टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ वोट्स 2019 टू 2023, अगर नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज हो जाए 600%, कहां से कहां तक, 2019 से 2023 में, ठीक है, तो बताइए नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन 2023। दो हजार तेईस में कितने वैलिड वोट गिरे, और वैलिड वोट्स दिए भी हैं कि 76% है, वैलिड वोट्स बताए हैं कितने, 76% बताए हैं। आपको संख्या बतानी है, परसेंटेज दिया हुआ है 76%, आपको बताना क्या है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बताने हैं, ठीक है। चलिए बताइए भाई, सेकंड क्वेश्चन पहले करिए, फर्स्ट आप लोगों ने कर लिया है तो बताइए। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, सभी लोग ट्राई करेंगे, बताइए जल्दी से, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोई बता पा रहा है क्या? सर 456। 456 कौन से का जवाब दिए, सेकंड का। 456 कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ है, बहुत ज्यादा नहीं है आकांक्षा, थोड़ा सा मिस कर रही हो, ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको ऑप्शन में 456 भी मिलेगा इसलिए बता रहा हूँ। चलिए भाई ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन को सोल्व करने चले तो नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज हो गए कितने, 600% इंक्रीज हो गए, कब, 2019 से 2023 में। 2023 में नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं भाई, 19 में कितने हैं, 1000, 19 में कितने दिए हुए हैं, 1000 दिए हुए हैं, ठीक है, तो देख लो 19 में दिए हैं नंबर ऑफ वोट्स 1000, अब ये 2023 में इंक्रीज हो गए, कितने इंक्रीज हो गए, 600% इंक्रीज हो गए, ठीक है, तो अभी बताएंगे मुझे शिवानी, शिवानी अगर किसी चीज में, मान लो पेट्रोल का दाम 50 रुपए है, नहीं 25 रुपए है, तो 100% वृद्धि हो गई उसमें, 100% बढ़ गया, तो अब नया दाम क्या हुआ, 100, अरे 25 है, 25 रुपए लीटर है आज, 100% बढ़ा दिया हमने, तो कितने रुपया हो गया, अब 50 हो गया, ठीक है, क्योंकि 100% का मतलब है डबल हो जाना, ठीक है, तो 600% का क्या मतलब हुआ, 6 गुना हो जाना,
ठीक है, 600% का मतलब है 6 गुना हो गया कोई भी रेट। तो अब ये बताइए कि 2023 में 600% बढ़ गया तो कितने से बढ़ गया, 1000 से। 1000 से 600% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कितने हो गए नंबर ऑफ वोट्स, 6000, यानी कि 1000 गुना में 6 हो गया। ठीक है, तो टोटल वोट्स हमारे पास 2023 में कितने आ गए, 6000। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 600% इंक्रीज हुआ भाई तो सीधा कर लो, इंक्रीज नहीं हुआ मतलब इंक्रीज होके 600% इंक्रीज हो गया है, तो इसको क्या करेंगे 600 से गुणा कर देंगे और बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, तो भी आपको सेम 6000 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला था, नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज हो गया। अब 2023 में नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 76% जो वोट है वो क्या है, वैलिड वोट्स है। तो 6000 का 76% वैलिड वोट्स है भैया। लो, 76% कैसे निकालते हैं, इनटू में 76 अपॉन में 100। तो 100 है तो 20 से 20 कट गई, ठीक है, 10 ये रही तो 10 ऑलरेडी रख दी हमने। अब 6 से गुना करना है किसको, 76 को, तो 6 6 36 हासिल लगी 3 और 6 7 42 और 3 45। ठीक है भाई, तो दिस इज योर आंसर, 4560 वैलिड वोट्स पड़े कब, 2023 में। क्लियर, सबको समझ में आया, ओके, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चंस थे, आप लोग खुद निकालिएगा। अभी अगर मैं क्वेश्चन निकालने लगूंगा तो पूरे 3-4 घंटे तो फिर मैं इसी काम में बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग खुद से क्वेश्चंस को निकालिएगा, ट्राई कीजिएगा और जो जो हो देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भी डिक्टेट कर देता हूँ, एक बार बता देता हूँ कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था यहीं पे कि अगर 2020 में इफ इन 2020 नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स अगर 300 है तो बताना था क्या, रेशियो पूछ लिया। देखो, रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, अगले में पूछ लिया मेल टू फीमेल का वैलिड वोट्स का रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड फीमेल जो दिया हुआ है वहां से आपको वैलिड वोट्स निकालने पड़ेंगे। पहले तो रेशियो से आपको बनाने पड़ेंगे वैलिड वोट्स, और वैलिड वोट्स आने के बाद आपको उन वैलिड वोट्स को डिवाइड करना पड़ेगा किसमें, मेल और फीमेल में। ठीक है भैया, तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन आपने ठीक से किया है तो आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी रेशियो प्रोपोर्शन ही था, बोल रहा था कि इन 2018 इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वोट्स टू नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, अब की बार वैलिड वोट्स और नंबर ऑफ वोट्स का रेशियो दे दिया, क्या दिया, 5:4। तो पूछ रहा है देन नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स इन 2018, वो पूछा और उसके साथ में बोला कि बताओ कितने परसेंट कम है ये नंबर जो है, ये नंबर कितने परसेंट कम है, लेस देन नंबर ऑफ वोट्स, किससे, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन 2018, यानी कि मेल फीमेल दोनों के वोट मिलाकर के 2018 में जितने बनते हैं और फीमेल्स के जितने हैं, दोनों के रेशियो का आप निकाल करके आपको नंबर निकालना है, नंबर से आपको फिर क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ या डिक्रीज कितना हुआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। अगला क्वेश्चन, खैर क्या ही बताऊंगा, आप सारे क्वेश्चन बताने के नहीं है, मैं आप लोगों को वैसे भेज दूंगा, ठीक है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं स्टैटिक पोर्शन की तरफ। तो रेशियो, एक मिनट, ये सर ये पूछ रही थी, जैसे ये वैल्यूज बीच में छूटी हुई हैं, इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी,
इनकी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालोगे थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने, आपको 2019 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 2019 में नंबर ऑफ वोट्स कितने दिए हुए हैं आपको, पोल वोट कितने पोल हुए, 1000, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि वैलिड वोट्स कितने हैं मेल और फीमेल के, ये आपको रेशो में मिला हुआ है 5:4, ठीक है। तो 5:4 से आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, और वहां से आपको आएगा वैलिड वोट्स का परसेंटेज। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में 2020 में देखो, फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड दिए हुए हैं कितने, 2000। अब यहां से आपको क्या चीज आ जाएगी, 38% बोल रहा है कि वैलिड वोट्स है, तो आप क्या करोगे, 2000 का 38% निकाल लोगे, ठीक है, 2000 का 38% निकाल लिया। अब आगे मेल और फीमेल में डिवाइड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नेक्स्ट एक चीज और मिलेगी, वो क्वेश्चन में देता है, आप यहाँ डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर नहीं दे पाओगे, आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, या तो मेल का दिया होगा या फीमेल का दिया होगा, या तो नंबर ऑफ वोट्स दिए होंगे या उनका परसेंटेज दिया होगा, ठीक है। तो परसेंटेज को रेशियो में डिवाइड करना और रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, वहां से क्वेश्चन निकल जाएगा। अब वैलिड वोट्स का परसेंटेज जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 60%, यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ है, अगर ये आपको यहाँ पे एक चीज और दे देता है कोई भी, या तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दे दे या आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स दे दे, तो वहां से आप कन्वर्ट करके सारा डाटा निकाल सकते हो। यानी कि ये अपने आप में है तो इनसफिशियंट डाटा, लेकिन आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक एक चीज हर क्वेश्चन में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन में आपको एक हिंट दे दिया कि दोनों के रेशियो का डिफरेंस दिया हुआ है 300, ठीक है, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे आपको ये है 5x और 7:5 है, तो आप क्या कर लोगे, 7x - 5x = 300, समझ गए, ऐसे कर लोगे, क्योंकि रेशियो का मतलब ही यही होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिफरेंस आपको दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि फीमेल्स का दिया हुआ है 300, अगले में भी आपको रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो को पहले आप कन्वर्ट कर लोगे वोट्स में, ठीक है, चलिए ओके। और एक अगली बात बता देता हूँ, मैथ के अंदर, मैथ्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपने क्या करना है, चारों ऑप्शंस को पुट करके देख लेना है, ट्राई ऑल फोर ऑप्शंस इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है, आंसर से वैल्यू उठाओ, क्वेश्चन में लगा के देखो, सही बैठ रहा है तो टिक कर दो, बात खत्म। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ICSSR AICTE ICHR और ICPR इनमें से कौन सी जो आपकी इंस्टीट्यूशन है वो इंडिपेंडेंस से पहले इस्टेब्लिश हुई थी, कोई जवाब दे सकता है तो तुरंत बताए, कल एग्जाम है, समझ लो आज एग्जाम हो रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी, क्लास में पढ़ाया भी है, कहो तो नोट्स में दिखा दूं, बताओ भाई कहाँ गए सब, एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पे ईयर नहीं दिया था आपको, सीधा सीधा पूछा था कि इंडिपेंडेंस से पहले कौन से सेटअप हो रखी है इनमें से, AICTE है क्या, हाँ सिर्फ AICTE ऐसा है, ऑप्शन में एक ही टिक करना था, तो आपको ये टिक करना था, ये 1945 में एस्टेब्लिश हुई थी, राइट। तो आप लोगों को एग्जैक्ट ईयर ना भी याद रहे, एक हिंट के तौर पर हमेशा पता रहना चाहिए कि कौन सी कब एस्टेब्लिश हुई थी, राइट। तो ऐसे ही अब जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही चारों आएंगे, ये बात याद रखो, आपके एग्जाम में हो सकता है इस प्रकार के और इंस्टीट्यूशंस आ जाएं, जैसे ICAR आ जाए, ICMR आ जाए,
हालांकि इनके चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों का जो बेसिक है वो ह्यूमैनिटीज और क्या कहते हैं सोशल साइंसेज से रिलेटेड है, इसलिए ये देखो सारे सोशल साइंसेज के हैं, छोड़ के आईसीटी को, एआईसीटी तो हमारे मेन सिलेबस में भी है, तो आपके में हो सकता है नैक आ जाए, नैक के बाद यूजीसी आ जाए, इसके बाद आपका एनआईआरएफ आ जाए, इन सब की ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दे कि भैया चलो बताओ कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, ठीक है। तो इनमें से भी आपको बस ये याद रखना था कि प्री इंडिपेंडेंस कौन सा है, तो प्री इंडिपेंडेंस कौन सा था, एआईसीटी था, वेरी राइट आंसर शिवानी आई थिंक। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था भैया आपका कोहर्ट स्टडीज से, चलिए अगला क्वेश्चन आपका एक आया था कोहर्ट स्टडीज से, कोहर्ट स्टडी वर्सेस, पहली स्टेटमेंट में कोहर्ट स्टडी के बारे में कुछ दिया हुआ था, दूसरी स्टेटमेंट में ट्रेंड स्टडीज के बारे में आपको दिया हुआ था, ट्रेंड स्टडी के बारे में दिया हुआ था। तो भैया दोनों में अंतर पूछा हुआ था और मैं बता देता हूँ क्या दिया हुआ था, उसने दिया था कि कोहर्ट स्टडीज में जो सैंपल होता है, सैंपल जो होता है पॉपुलेशन का, वो कह रहा था कि एक जनरली डिफाइंड पॉपुलेशन से लिया जाता है, जनरली डिफाइंड पॉपुलेशन, ठीक है। जनरली डिफाइंड पॉपुलेशन स्टडी में बोला था कि जो सैंपल है, बात मैं बता दूं कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, बस इंटरचेंज होना है। क्या इंटरचेंज होना है, जो भैया कोहर्ट स्टडी होती है ना कि इसमें पॉपुलेशन जो होती है वो रहती है वेल डिफाइंड पॉपुलेशन, यानी कि सेम सेट ऑफ पॉपुलेशन रहता है, सेम सेट ऑफ पॉपुलेशन रहता है, उसी में से आप दोबारा डेटा कलेक्ट करते हो, किसमें, कोहर्ट स्टडीज में, ठीक है। और ट्रेंड स्टडी में क्या होता है ना कि आपका एरिया तो फिक्स है लेकिन पॉपुलेशन क्या होती है ना, चेंज होती रहती है, यानी कि कुछ लोग चले गए आ गए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बस स्टैंड, अब बस स्टैंड पे स्टडी करोगे तो पॉपुलेशन तो ठीक है, आप हर बार बस स्टैंड की ले रहे हो, लेकिन क्या आपको हर बार अलग पॉपुलेशन नहीं मिलने वाली है, समझ गए। तो ट्रेंड स्टडी में आपको ट्रेंड चेक करना है, तो ट्रेंड में पॉपुलेशन होती रहती है भैया चेंज, ठीक है। तो आप बस स्टैंड की पॉपुलेशन अगर देखना चाहो तो हर बार लोग बदलते रहते हैं बस स्टैंड पे, राइट। लेकिन कोहर्ट स्टडी कौन सी होती है, जिसमें आप सेम सेट ऑफ ऑडियंस में से ही लोगों को चूज करते रहते हो, जैसे आप एक यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स को पकड़ते रहे बार बार, इस बार हो सकता है कि कोई और क्लास पकड़ ली हो लेकिन है सेम यूनिवर्सिटी के ही सभी लोग, तो ऐसी स्टडी को क्या कहेंगे, कोहर्ट स्टडी। अदरवाइज जो लूजली डिफाइंड या वेल डिफाइंड नहीं रहती है, जनरली डिफाइंड पॉपुलेशन होती है, उसको कहते हैं ट्रेंड स्टडी। तो दोनों का उल्टा लिखा हुआ था आपस में, ठीक है, तो उल्टा लिखा था तो दोनों गलत हो गए भैया, समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, अच्छा ठीक है, तो पैसे तो दे दिए थे भाई, कल बात कर लो, पैसे दिए हुए हैं और दूसरी बोतल रखी है, ले जाओ, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहर्ट हो गया, ट्रेंड हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन आया था इनवर्स फैलेसी से, किससे आया भैया इनवर्स फैलेसी, हाँ पानी रख दो ना, पैसे दे दिए, कल दे दिए थे, कल 100 रुपए दे दिए थे, डब्बा ले जाओ, हाँ ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे इनवर्स फैलेसी की, तो इनवर्स फैलेसी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये फिलोसफी का है वैसे तो,
अपन लोगों के पास में इतना बहुत ज्यादा, वैसे इंडियन लॉजिक में आता है ये, लेकिन इंडियन लॉजिक में भी बुक में भी आपको ये नहीं मिलेगा इनवर्स फैलेसी, और जल्दी सी आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको केवल और केवल ये मिल सकता है फिलोसफी की किताबों के अंदर। ठीक है, अब इनवर्स फैलेसी का क्वेश्चन क्या था, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कह दूं, वैसे क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या आया था बता देता हूँ। क्वेश्चन था, चलो शालू आंसर देने का कोशिश करो, इफ योर पैट इज ए कैट, इफ योर पैट इज ए कैट देन इट हैज ए टेल, इट हैज ए टेल। ठीक है, ये है पहला प्रीमाइस। दूसरा प्रीमाइस कह रहा है योर पैट इज नॉट ए कैट, आपका पैट कैट नहीं है। देयरफोर यहां पे आ गया कंक्लूजन, बोल रहा है देयरफोर योर पैट डज नॉट हैव ए टेल। हिंदी में यदि मैं इसका मीनिंग बताऊं तो पहली लाइन कहती है कि आपका पालतू यदि एक बिल्ली है तो उसके पास पूंछ होगी। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि आपका पालतू बिल्ली नहीं है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट में, इसलिए आपके पालतू के पास एक पूंछ नहीं है। तो बताइए सबसे पहले तो ये बात वैलिड है या इनवैलिड है, वैलिड है या इनवैलिड है, और वैलिड है तो क्यों है और इनवैलिड है तो क्यों है। चलिए कोई जवाब दे सकता है तो बताएं। ये आपको बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको इंटरनेट पे मिलने के चांसेस भी लोएस्ट हैं, किसी कोचिंग के उस पे नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन ट्राई भी नहीं किए होंगे कुछ लोगों ने, फिर भी हो सकता है कुछ पढ़ा हो या दर्शन ठीक से पढ़ लिए हो तो वहां कहीं कुछ बात आ गई हो, पाश्चात्य दर्शन पढ़ा हो वहां पे आ गया हो, लॉजिक आपने अगर पढ़ा है तो कभी वहां से आपको आ सकता है। कोई है जो बता सकते हो, बताइए शालू। वैलिड तो है बट मैं ये नहीं पता कर पा रही हूँ कि कैसे वैलिड है, बट ये वैलिड है। ठीक है जी, आपकी तरफ से वैलिड। बाकी लोग, आकांक्षा? सर इनवैलिड है। सर ये तीनों स्टेटमेंट बनाने हैं क्या? हाँ नहीं, ये पूरा एक सेट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तीसरा कंक्लूजन दिया हुआ है, तो कंक्लूजन वैलिड निकला कि नहीं। पहले में कहता है कि यदि आपके पास में कोई पालतू है, आपके आपका पालतू यदि बिल्ली है तो बिल्ली के पास पूंछ पक्का मिलेगी। दूसरे में कहता है कि आपके पास बिल्ली नहीं है, इसका मतलब आपके पालतू के पास पूंछ नहीं है। ठीक है, बताइए। इनवैलिड होगा। ओके, इनवैलिड होगा, क्यों होगा नहीं बता सकते? सर इनवैलिड होगा क्योंकि ऐसे नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब पेट है बिल्ली बस है तो बिल्ली के पास भी पूछ होती है, पेट तो काऊ भी होती है, काऊ की भी पूछ होती है। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आकांक्षा इज वेरी राइट, बिल्कुल सही कह रही है कि भैया ये कंक्लूजन जो है शालू जी इनवैलिड है। इनवैलिड इसलिए है क्योंकि पहली स्टेटमेंट ठीक है कि आपके पास में अगर पेट है तो उसके पास में, अगर आपकी पेट कैट है तो उसके पास में टेल है, ठीक है भाई ये बात तो सत्य है। दूसरा है योर पेट इज नॉट ए कैट, ठीक है ये बात भी सच है कि आपका पेट जो है कैट नहीं है, लेकिन इससे ये कंक्लूजन निकाल देना कि योर पेट डजंट हैव ए टेल, ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके पास में गाय हो, तो गाय आपका आपका पालतू नहीं है, ठीक है, मतलब गाय आपके पास में पालतू है, कैट आपके पास में पालतू नहीं है, तो कैट की टेल होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार देखिए, आपके पास में कैट नहीं है, इसका मतलब समझ लो मान लो गाय है। थर्ड में देखिए कि आपके पेट के पास में टेल नहीं है, तो ऐसा नहीं है भैया, टेल हो सकता है हमारी जो है गाय के पास में है, ठीक है। तो इनमें से अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, आकांक्षा जी आप ये पर्टिकुलरली बता सकते हो कि तीन स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है? तीन में से सर, if your pet is cat then it has a tail, सर ये तो ठीक है कि अगर आपका पेट तो कैट है तो कैट के पास टेल होती है, your pet is not a cat, ठीक
ठीक है, नहीं हो सकती, कैट भी नहीं हो सकती, कुछ और हो सकता है। है। हाँ योर पेट डज नॉट हैव अ टेल, ये थर्ड वाला गलत है कि बिल्कुल आपके बिल्कुल ठीक पेट के पास वो है। नहीं है। तो हमारा जो है ना भैया कंक्लूजन गलत है, हमारे प्रीमाइसिस सही है लेकिन कंक्लूजन गलत है। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि प्रीमाइसिस आपके सही हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं, और तब भी कंक्लूजन आपका फॉल्स हो सकता है, और इसका अपोजिट भी हो सकता है। आपके प्रीमाइसिस दोनों फॉल्स हो सकते हैं, उसके बाद भी कंक्लूजन ट्रू निकल सकता है, राइट? तो इस बात का रखिए ध्यान। यहाँ पर देखिए कि ये सेम बात हो गई, जैसे हम किसी को कह दें कि यदि आप एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं तो इसका मतलब आपके पास जॉब है। फिर दूसरी में कह दे कि आप बिस्किट फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं। तीसरे में कह दे कि तो इसका मतलब आपके पास जॉब नहीं है। अरे भैया, हो सकता है आदमी कहीं और काम कर रहा हो, राइट? तो इस करके आपका जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। और इस प्रकार के इनवैलिड कंक्लूजन्स को, इस प्रकार की फैलेसी को कहते हैं इनवर्स फैलेसी। ठीक है, क्या कहेंगे? इनवर्स फैलेसी। ठीक है भाई, ओके। या इनवर्स एरर भी कह सकते हैं इसको, इनवर्स एरर भी लिखा हुआ आपको आ सकता है। एरर माने फैलेसी एक ही बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन था कौन सी गैस जो है सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखती है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पूछा था, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के हिसाब से आपको ऑर्डर में लगानी थी गैसेस। ठीक है, आपको दिया हुआ था मीथेन, आपको दिया हुआ था N2O, आपको दिया हुआ था CO2, आपको दिया हुआ था CO। और इस प्रकार से अलग अलग एग्जाम में ये गैसेस चेंज होती रही, लेकिन जो प्राइमरी क्वेश्चन था वो सेम रहा कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के हिसाब से लगाइए। तो CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है भैया एक, इसका हमें पता है, बाकियों का नहीं पता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से N2O का ज्यादा है किससे, CH4 से। CH4 का ज्यादा है किससे, CO2 से, और CO2 का शायद ज्यादा है CO से। इन दोनों में मुझे डाउट है, बट ये ऑर्डर आई एम वेरी मच श्योर, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 का लीस्ट है, CH4 मीथेन का ज्यादा है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो एक बार, क्योंकि सिर्फ चार ही नहीं आएंगे आपको एग्जाम में, हालांकि इससे मेरा काम तो मतलब बन जाए, आप लोग अगर एग्जाम देंगे तो इससे इतने से तो काम बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इन चारों के अलावा चार गैसेस और दे दे, हो सकता है डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के हिसाब से कैसे मतलब अरेंज करना है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में कौन सी गैस कितनी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, कितनी घातक होती है। ठीक है, तो N2O ज्यादा घातक है, CH4 उससे ज्यादा मतलब उससे थोड़ी कम घातक है, CO2 उससे और कम घातक है, और बाकी और कम। ठीक है, ओके। दोनों चीजों में अंतर को भी ध्यान रखिएगा, ये हम नेचर में अबंडेंस नहीं बता रहे, हम ये नहीं कह रहे कि N2O ज्यादा है CO2 से, ना CHC में ऐसा नहीं बोल रहे, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि घातक कौन सी ज्यादा है। ठीक है, तो घातक को बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, जल्दी से सभी लोग निकाल दीजिए अपनी नोटबुक में, ये रहा। चलिए, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा ही आएगा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज्यादा आसान भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस भी नहीं है कि चलो हो गया एक ही बार में हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं।
चलिए अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, तब तक आप लोग सॉल्व करिए सभी लोग जल्दी से। सर 192। 192, ठीक है। बाकी लोग बताइए। नहीं, नहीं सर कहीं मिस्टेक हो रही है। हाँ ओके चलिए भाई, निकाल नहीं पाए क्या इतनी देर में? कहाँ गए रे, सिट्टी पिट्टी फुल हो गई क्या रे भैया? एग्जाम में कैसा करोगे रे, इतना समय ना मिल तो। क्यों स्मिता देशपांडे जी, एक से 2 मिनट का समय मैक्सिमम लेना होता है एक क्वेश्चन में, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। चलिए तो भैया बता देते हैं, हम बता दें, किसी ने दिया है जवाब? राज भाई निकाले क्या? कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में आएगा, ओके, सीओ पहले आ जाएगा, इसका मतलब है ना? क्यों जी राज जी, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले आ जाएगा फिर? बताओ। चलो आप लोग क्वेश्चन निकालिए, तब तक मैं चेक कर लेता हूं। और CFC अगर आपके में आ जाए, CFC आ जाए, NF3 आ जाए, तो इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और भी ज्यादा होता है, ठीक है? चलो तो ये IPCC की वेबसाइट का डेटा है, हालांकि क्वेश्चन में CFC जरूर पूछा गया है भाई, एक आध एग्जाम में क्लोरो फ्लोरो कार्बन का पूछा गया है, ऑर्डर में लगाना था, तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन का जो है सबसे ज्यादा रहेगा, अगर HF आ जाए तो और भी ज्यादा रहेगा, यानी कि पहले पे HF रहेगा, HF6 आ जाए और कुछ आ जाए ऐसे वो रहेगा, और यदि आप लोगों को ये आ जाए NF3 तो इसका भी ज्यादा रहेगा बाकियों से। चलिए स्मॉल डायरेक्ट GWP, बट
सिमिलर है। चलिए ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई है सीओ की। रिटर्निंग बैक टू क्वेश्चन, आप लोगों का जवाब वेट कर रहा था मैं कि क्या आया, नहीं दिया। अरे बाबा क्या हो गया, मैं कनेक्टेड तो हूँ। यस सर, फिर के बात होगी रे, इतना मुश्किल तो नहीं था प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या मुश्किल है इसमें, बताओ 0 से 6 तक कितना डिफरेंस है भाई। 6 से 24 में कितना डिफरेंस है, 18 का। 24 से 60 में कितना डिफरेंस है, देखो पहले तो ये देख लो, ये ऊपर वाला जो बढ़ रहा है ये ज्योमेट्रिक बढ़ रहा है कि अर्थमेटिक बढ़ रहा है। मल्टीप्लाई होता तो बहुत ज्यादा हो गया होता अभी तक, इसका मतलब कुछ ना कुछ जोड़ या घटा चल रहा है, ठीक है। तो घटा तो चल नहीं रहा क्योंकि सारी संख्याएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब जोड़ चल रहा है। अब देख लो इसमें जोड़ ही तो करना, सिंपल सी बात है। तो अगले में कितना बढ़ रहा है, 36 बढ़ रहा है। अगले में कितना बढ़ रहा है भैया, 60 बढ़ रहा है। अगले में कितना बढ़ रहा है नहीं पता, अगले में कितना बढ़ रहा है नहीं पता, ठीक है। तो 6, 18, 36, 60 देख करके कुछ समझ में आ रहा है, हमें तो आ रहा है। 6 3 18 होता है, 18 2 36 होता है, लेकिन 36 2 60 नहीं होता और 36 3 60 भी नहीं होता। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है यहाँ पे। डिफरेंस अगर देखें इनका भी, तो ये मान लो एक ये अदर एक सीरीज और मान लो, इसको ऊपर वाले को ढक दो, सिर्फ नीचे वाले को देखो, 6 18 36 60 इसमें आपको कुछ नजर आया, 6 18 36 और 8 में 60 में। देखो अगर मान लो ये नीचे वाली सीरीज दी हो तो आप कैसे करोगे, 6 और 18 में कितना अंतर है, 12 का। 18 और 36 में कितने का है, 18 का। 36 और 60 में कितने का है, 24 का। अब बताओ अब की बार कुछ समझ में आ रहा है भाई, तीसरे वाले में सीरीज बनी 12 18 24, बोलो शिवांशु। 12 18 24 कहाँ गए सर, सिर्फ 30। हाँ तो देखो क्या है, क्या चल रहा है, ये 6 का पहाड़ा चल रहा है क्या, 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30, ठीक है। मान लो अगर 30 ले लिया, आपकी बात सही है, अगर 30 ले लिया तो 60 और 30 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 90 आएगा कि नहीं। ओके अब 90 120 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 120 में जोड़ा तो 310, 210, 210, 210 आ गया। अब इसको आगे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं 210 सही है कि नहीं है, ठीक है। तो आगे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, अब ये 30 के बाद में अगला क्या जुड़ना चाहिए भाई, 30 के बाद जुड़ना चाहिए 36 है कि नहीं। ओके और यहाँ पे कितना जुड़ना चाहिए फिर, 90 के बाद 90 और 36 कितने हो गए, 126। अब जोड़ के देखो 210 और 126 कितना हुआ, 336। इसका मतलब हमारा जवाब सही है, तो इसमें कुछ भी नहीं था भाई, सक्सेसिव एडिशन वाली सीरीज चल रही थी, एक सीरीज के ऊपर दूसरी चल रही थी। और ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में भी आप लोगों को करवाया था कि हो सकता है एक लाइन में बात ना बने, दूसरी लाइन में बात बन जाए, है कि नहीं, याद आया आकांक्षा जी। यस सर। हाँ तो इट वाज इजी क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं थी, काहे इतनी देर लगा दी। अगला देखो, मैमल, वाइल्ड कैट, फेलिन, एनिमल और वर्टिब्रा, इन वर्टिब्री, इन सब को डिसेंडिंग एक्सटेंशन में लगाना था। अब दो चीजों का ध्यान दो भाई, एक होता है एक्सटेंशन, एक होता है इंटेंशन, एक होता है एक्सटेंशन, एक होता है इंटेंशन। तो हिंदी में अगर मैं बात करना चाहूं तो कोई चीज अगर गहराती हुई चली जाए तो उसको एक्सटेंशन कहेंगे या इंटेंशन कहेंगे, बताओ कौन बताएगा, कोई तो बताओ। इंटेंशन
इंटेंशन, अगर कोई चीज गहराती हुई जाएगी, इंटेंस होती जाएगी, तो इंटेंस होने का मतलब है वो और ज्यादा पर्टिकुलर हो रही है, और ज्यादा गहरी हो रही है। और यदि मैं बात करूं एक्सटेंशन की, तो यानी कि वो जो कॉलम है और भी ज्यादा चौड़ा होता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैमल बड़ा है कि वाइल्ड कैट बड़ी है, यानी कि जंगली बिल्ली बड़ी है? मैमल्स यानी कि दुधारू पशु, तो दुधारू पशुओं की संख्या ज्यादा है या वाइल्ड कैट की संख्या ज्यादा है? मैमल्स मैमल्स, ठीक है, तो सही है, मैमल्स की संख्या ज्यादा है। इसी प्रकार से मैमल्स की संख्या ज्यादा है कि एनिमल्स की संख्या ज्यादा है? एनिमल्स की ज्यादा है, ठीक है, यस। तो शालू बताओ, एनिमल्स की ज्यादा है कि वर्टिब्रा की ज्यादा है? वर्टिब्री की ज्यादा है, वर्टिब्री होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। ज्यादा अरे एनिमल्स ज्यादा हैंगे, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स कई ऐसे भी हैं जो वर्टिब्री वाले हैं, और कई ऐसे भी हैं जो बिना वर्टिब्री वाले भी हैं। ठीक है, तो एनिमल्स की संख्या होगी ज्यादा। तो चलिए ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सबसे पहले भैया एनिमल्स सबसे ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है, एनिमल्स के बाद जो कम होंगे, एनिमल सबसे ज्यादा, उसके बाद नेक्स्ट जो कम होंगे वर्टिब्री, वर्टिब्री माने जिनके पास में रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बाद में आ जाएगा मैमल्स दुधारू, ठीक है, स्तनधारी, उसके बाद मैमल्स के बाद आ जाएगा आपका, अब बचा फेलीन और वाइल्ड कैट। फेलीन और वाइल्ड कैट में क्या होता है, फेलीन होते हैं कैट फैमिली वाले, कैट फैमिली में टाइगर भी आता है आपका, बिल्ली भी आता है आपका, कुत्ता कुत्ता भी आता है, ठीक है, तो कैट फैमिली में जो जो लोग हैं उनको कहते हैं फेलीन, तो फेलीन आ जाएगा पहले, और फिर फेलीन की एक टाइप है क्या, वाइल्ड कैट, ठीक है। तो ये हुआ अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट कैसा है भाई, इधर एक्सटेंशन ज्यादा है, ठीक है, इधर एक्सटेंशन कम होता जा रहा है कि नहीं? तो ये कैसा अरेंजमेंट हो गया, डिसेंडिंग एक्सटेंशन वाला ऑर्डर हो गया। कैसा ऑर्डर हुआ भाई, डिसेंडिंग एक्सटेंशन वाला हुआ, यानी कि उतरते क्रम में हो गया, ठीक है, अवरोही क्रम में हो गया, समझ गए। इसी प्रकार से यदि मैं इंटेंशन की बात करूं, तो इंटेंशन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बताओ भाई इधर? शिवांशु बताओ, सर इंक्रीजिंग है। हाँ बिल्कुल, तो इंक्रीजिंग या असेंडिंग भी कह सकते हो, असेंडिंग, तो असेंडिंग इंटेंशन है, ठीक है। तो आप लोगों ने एग्जाम में ध्यान देना है, मैं आप लोगों को बता दूं, अब तक के 3-4 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार आया है, ये वर्ड्स चेंज होते रहे हैं, किसी में मैमल एनिमल फेलिन तो आ गया, ये वाइल्ड कैट की जगह किसी में टाइगर दे दिया, किसी में कुछ और दे दिया, किसी में वर्टिब्रा दिया ही नहीं, सिर्फ चार को अरेंज करने बोला, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। आपको क्या पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन क्या है और इंटेंशन क्या है और असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, ठीक है, बस आपने अरेंज कर लेना है और अपनी बात को कर लेना है फिट वहां पे, राइट। क्वेश्चन में अगर पूछ ले डिसेंडिंग इंटेंशन से बताओ, तो चलिए मुझे अब इन लोगों में से कौन बताएंगे, स्मिता देश पांडे जी अगर आप बता सकती हो तो डिसेंडिंग इंटेंशन से आपको बताना है, डिसेंडिंग इंटेंशन, सेम क्वेश्चन अरेंज कीजिए। पहले वाइल्ड कैट आएगा, हाँ फिर ये फेलिन आएगा, देन मेमल, एंड देन आएगा वर्टिब्रा, और देन लास्ट में आएगा एनिमल। ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट जवाब आपने दिया, धन्यवाद। ओके, आप गुजरात से हैं क्या, आवाज से ऐसा लग रहा है?
नहीं सर, महाराष्ट्र से हूँ। ओके, सेम हो गया ना, उधर सेम बेल्ट हो गया। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम। चलिए ठीक है, देख लो भाई, आवाज पहचान के भी हम लोग बता देता है कौन किधर से आई। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट केजी ऑफ शुगर, जो कि जिसका प्राइस है 50 पर केजी, ठीक है, शुड बी मिक्स्ड विद ₹30 पर केजी शुगर। 50 रुपए वाली शुगर को मिक्स किया है 30 रुपए वाली शुगर के साथ में, ठीक है, और ऐसे मिक्स करना है भाई। ये जो 30 रुपए वाली शुगर है ना, ये 45 केजी है, 45 पर केजी नहीं है, ये 45 केजी है, ठीक है। 45 केजी शुगर है जिसका रेट है 30 रुपए, और 50 रुपए पर केजी वाली शुगर का किलो नहीं दिया हुआ, वेट नहीं दिया हुआ, हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। और क्वेश्चन में कह रहा है दोनों को मिक्स करने के बाद जो अल्टीमेट प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 48 रुपए प्रति किलो होना चाहिए। तो कैसे मिक्स करें, कितना किलो जोड़ें, 50 रुपए वाली शुगर कितनी मिलाएं कि हमारा जो रेट है वो 48 रुपए पर केजी बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आया, एक शुगर है 30 रुपए किलो, दूसरी है 50 रुपए किलो, दोनों की क्वांटिटी में से एक की क्वांटिटी दी हुई है, 30 वाली का रेट दिया है 45 रुपए, ठीक है, ये 45 रुपए पर केजी है, ठीक है, 30 वाली का रेट दिया है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 30 रुपए पर केजी वाली 45 किलो है ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, 45 किलो है 30 रुपए वाली। तो बताइए कि कितने किलो शुगर जोड़ दें 50 रुपए वाली कि 48 में बिक जाए मामला। क्वेश्चन निकालिए भाई, जिस जिसको आता है जल्दी से, 30 सेकंड्स दिए, मैं पानी पीता हूं तब तक। और भैया एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कल एग्जाम में, अगर यहाँ नहीं कर पाए तो वहां भी नहीं कर पाओगे, इसलिए आज इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना 100%। अब जिनसे नहीं हो रहा है वो ध्यान से देख लेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। आंसर आया किसी का, कोई बता रहे हैं, आकांक्षा? सर 9.6 आ रहा है आंसर, ऐसे नाइन कुछ पॉइंट रहता सिक्स के जी है। यस सर, ठीक है, आपने कहा कि 9.6 kg, तो आप एक काम करो, 9.6 किलो को इसके साथ में 50 के साथ में गुना करके देख लो, और 45 को 30 के साथ में गुना करके देख लो, और 48 के साथ में अपना चेक कर लो कि ठीक रेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। चलो तो तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। पूछ रहा है कि कितने किलो शुगर जोड़ दें 50 रुपए वाली, और 30 रुपए वाली हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 45 किलो, रिजल्ट कितना आना चाहिए, 48 किलो, 48 रुपए पर केजी आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम एक्स किलो ले लें, ठीक है, एक्स किलो ले लिया हमने 50 वाली शुगर, ठीक है, तो कितने रुपए हो जाएंगे भाई, 50 रुपए वाली शुगर के 50 रुपए गुना में उसकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमने एक्स मान ली, तो 50x हो गया हमारा शुगर 50 रुपए वाली। अब 30 वाली कितनी है, 30 × कितने किलो है भाई, इसका तो किलो पता है ना, 45 किलो है कि नहीं, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, 48 रुपए
गुना में ये 48 वाली कितना किलो शुगर है भाई, कोई बता सकता है? इतने महान व्यक्ति सभी जुड़े हुए हैं, कोई मुझे ये बता दे कि दोनों को मिक्स करने के बाद हम चाहते हैं कि 48 रुपए पर केजी आ जाए हमारी शुगर, तो दोनों को मिक्स करने के बाद कितना किलो शुगर यहाँ पे आएगी, कोई बता सकता है? भाई दो टाइप की शुगर मिला रहे हो, एक मिला रहे हो 45 किलो और दूसरी मिला रहे हो एक्स किलो, तो टोटल मिलाओगे तो उतनी ही आएगी ना, कम ज्यादा तो नहीं हो जाएगी शुगर, है कि नहीं? मान लो एक क्वांटिटी है हमारे पास 5 किलो शुगर, दूसरी क्वांटिटी है 6 किलो शुगर, दोनों को जोड़ोगे तो 6 प्लस 5 ही होगा ना, 11 ही बनेगा ना। तो एक हमारे पास में क्वांटिटी है 45 किलो, दूसरी है एक्स किलो, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ शालू? 45x 45x? नहीं, एक्स प्लस 45 मल्टीप्लाई थोड़ी कर दोगे, जोड़ोगे ना। आपके पास में एक टाइप की शुगर है 3 किलो, दूसरे टाइप की है 4 किलो, तो टोटल 7 किलो हुई कि 4 या 12 किलो हो गई? सेवन हाँ, तो ऐड करेंगे, ठीक है? तो एक्स प्लस 45 आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है भाई? ओके, अब इजी है इसको सोल्व करना, कौन सी बड़ी बात है। लो 50x जमा में 45 दिया, कितना होता है भाई? 135, ठीक है। 1350 इज इक्वल टू 48x प्लस 48 की एक बार गुना एक्स के साथ, एक बार गुना 45 के साथ, तो 48 और 45 की गुना कितनी बनेगी? कितनी बनेगी, कोई करके बता दे कि हमें ही करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर से करके बता दो जल्दी से। 1400 कुछ बननी चाहिए, 1440 या कुछ ऐसा, 1440 बन रही है क्या? देखो अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, ये उधर चला जाएगा, 2100 है 2100। ऐसे कैसे? 2160 आ रहा है, 2160 45 बटे यस, 48 2160 2160 48 में कहाँ गड़बड़ है, 48 एक सेकेंड, कितना आ रहा है 2160? यस तो इन दोनों को घटाइएगा एक बार जरा, मेरे हिसाब से यहाँ पे 1440 क्यों आ रहा है, कुछ ना कुछ हमने मिस किया क्या? एक्स प्लस 30 होगा तो कितना आएगा, 30 आएगा यहाँ पे, अभी बताओ कितना है, 30 आया तो कितना हुआ? चौदह सौ चालीस हो गया, कोई तो बता दो रे जी। हाँ जी, तो चौदह ठीक चौदह है, सौ हाँ चालीस 1440 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 इसलिए आएगा, जो सेकंड वाली शुगर है ना ये 30 किलो है और 45 के रेट से है, तो 45 रुपए पर केजी है और यहाँ पे 30 केजी दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा था,
मैंने लिखने में कहीं पढ़ने में थोड़ा सा वो कर दिया होगा। तो यहाँ पे 30 किलो शुगर थी, तो 30 किलो एक थी 4500 रुपए वाली, और टोटल हमें क्या चाहिए था ये। हाँ तो ये 30 किलो है, ठीक है जी, ये रहा 30 किलो है, 4500 रुपए वाली है, ये 50 रुपए वाली है एक्स किलो, ठीक है। चलिए की बार ठीक है, तो ये 1440 जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या जवाब आ जाएगा, देख लो भाई इन दोनों में कितना अंतर है, 90 का अंतर है, 90। तो एक्स कितना आ जाएगा, 90/2, यानी कि 45 किलो। 45 किलो खरीदनी पड़ेगी चीनी, कौन से वाली, 50 रुपए वाली, 50 रुपए वाली चीनी। अगर 45 किलो खरीद लेते हैं तो हमारा जो मिक्सचर है वो 48 रुपए प्रति किलो बिक जाएगा, करेक्ट, क्लियर एवरीवन। कहाँ गड़बड़ हो गई है, मेरा इंटरनेट कहाँ गया। डाटा चला लो सर। अरे पता नहीं कुछ गड़बड़ हो, अभी बताओ सब लोग ठीक दिख रहा है, वापस आ गए कि नहीं। आगे सर आगे। क्या सभी सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ठीक है ओके। चलिए तो मैदान में वापस चलते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, ये क्या था आंसर हमारा, 45 किलो आ गया था। कैसे आया था, दोनों की क्वांटिटी को मिक्स करके 48 के गुणा में रख दिया था, ठीक है। ये 50 किलो, सॉरी 50 रुपए के हिसाब से एक्स किलो, ये 45 रुपए के हिसाब से 30 किलो, और ये 48 रुपए के हिसाब से एक्स प्लस 30 किलो, ठीक है। और यहाँ से हमारा सोल्व करके आंसर आ गया 45 kg। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समय बहुत हो गया है, मैं क्वेश्चंस को आगे सोल्व नहीं कराऊंगा, बस बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस है और आप लोग आराम से जा करके फिर सोल्व करते रहोगे, ठीक है। वेरी गुड। हाँ एक क्वेश्चन आया था भैया गूगल मीट से, गूगल मीट के बारे में पूछ रहा था कि गूगल मीट एक क्लाउड बेस्ड है कि नहीं है। तो अगले में हो सकता है भैया वेबएक्स के बारे में पूछ ले या जूम के बारे में पूछ ले, ठीक है। तो ये क्लाउड बेस्ड है बिल्कुल। दूसरा पूछ रहा था इसमें हम डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं जी, ठीक है, ये फीचर भी देता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका एक, पेट्रोल और इथानॉल से, आजकल नई टेक्नोलॉजी चल रही है ना पेट्रोल और इथानॉल को, कल भी मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, क्या नाम है उनका, नितिन गडकरी साहब है ना, तो गडकरी जी कल एक भाषण दे रहे थे, योगी जी भी वहां पर बैठे हुए थे, तो वो उसमें वही बता रहे थे कि पेट्रोल और इथानॉल को मिला करके हम लोग अब तो बस इथानॉल पे ही आने वाले हैं। इथानॉल किससे बनता है, शुगर से बनता है और कॉर्न से भी बनता है, यानी कि जो आप भूसा छोड़ देते हो गन्ने का जूस निकलने के बाद, जो रो जो बच जाता है, चावल का भी जो बच जाता है, तो उन सब से इथानॉल बन जाता है, जिसको पेट्रोल में चला करके आप
पेट्रोल का दाम वो कह रहे थे लगभग लगभग 20 रुपये 22 रुपये प्रति लीटर आ जाएगा, यानी कि मिक्स करके चलाते हैं। तो यहाँ पे वैसे ये किसमें मिक्स होता है, गैसोलिन में। एक्चुअल में पेट्रोल की बजाय क्या होता है, गैसोलिन। और गैसोलिन में क्या मिलता है, इथानॉल मिलता है, और वो फिर हम क्या यूज करते हैं, पेट्रोल। ठीक है भैया, बात समझ में आई? तो क्या जवाब में दिया हुआ था, गैसोलिन शायद दिया हुआ था। ठीक है, तो गैसोलिन आप लोगों ने टिक करना था। ओके, इनके अलावा राधा कृष्णन कमीशन से क्वेश्चन आया था, राधा कृष्णन कमीशन, इसके रिकमेंडेशन आए थे। राधा कृष्णन कमीशन के रिकमेंडेशन आए थे। तो भैया आजकल जो क्वेश्चन दे रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि ये कमीशन कब आया, किस ईयर में आया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हर एक एग्जाम में रिकमेंडेशंस पूछे जा रहे हैं बाकायदा। और यहाँ पे जो रिकमेंडेशन पूछे थे वो पूछे थे लैंग्वेज को लेकर के, कि हायर एजुकेशन में लैंग्वेज हमारी कैसी होनी चाहिए। तो राधा कृष्णन कमीशन कह रहा था कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ, इंग्लिश को खत्म करो। इंग्लिश को खत्म करने की बात कर रहा था। कहा कि भैया बच्चों को पढ़ाई समझ में नहीं आती है हायर एजुकेशन में, तुम लोग इंग्लिश में चटर पटर करते रहते हो, इसको खत्म करो। और जो बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं साइंस की और मैथमेटिक्स की या वेस्टर्न जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको भी इंक्लूड करो और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू करो। तो ये था राधा कृष्णन कमीशन का जो रिकमेंडेशन है। इसी के अलावा बाकी एग्जाम्स में पूछा गया है नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन। नॉलेज कमीशन शायद 2005 में आया था। किसके उसमें आया था भैया, ये अपने क्या नाम है इनका, प्राइम मिनिस्टर जो चुप चुप से रहते हैं, रहते थे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन हाँ हाँ मनमोहन वही वही सिंह वही वही सरदार जी। ठीक है, तो सरदार जी जो कि चुप बने रहते थे बस। तो भीगी बिल्ली का नाम यहाँ पर आप लोग आराम से शान से ले सकते हो। ठीक है, उनके प्रेसिडेंसी में ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। राधा कृष्ण कमीशन कब आया था, 1948-49 में आया था। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है आप लोग सोच लो, या तो कोठारी कमीशन है या कोई और कमीशन होगा, कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा कमीशन। और ज्यादातर आप मान करके चलो मेरे हिसाब से आफ्टर इंडिपेंडेंस के कमीशंस जरूर कर लेना। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी कमीशंस आए हैं, या 1940 से ज्यादा वाले, 1940 के बाद जो जो आए, एक 1944 में आया था। एनईपी हमारे टाइम में सर, एनईपी 1972 के हिसाब से पूछी गई थी सर, एनईपी। ओके, तो आपके में भी कमीशन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन रहा होगा और एनईपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहा होगा। एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी आएगा, इस अभी भी एग्जाम में आया था। एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ क्या आया था। एनईपी से रिलेटेड एक तो था इसके उद्देश्यों से रिलेटेड, एम्स। एम्स में पूछ रहा था कि ये क्या एनविजन करती है, तो एम्स में आप लोगों ने बताना था। ठीक है, दो तीन स्टेटमेंट थे, टिक करना था कि कौन सा एम में है कौन सा नहीं है। एक और भी क्वेश्चन आया था एनईपी से अलग एग्जाम में, उस क्वेश्चन में था कि एनईपी 2020 के हिसाब से बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस इंक्रीज होगी या नहीं होगी, इसके बारे में है कि नहीं है प्रोविजन। एक बात और आई हुई थी, लेट मी चेक, एनईपी 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 का क्वेश्चन था तो जरूर भाई। चलिए आ जाएगा, आगे आ जाएगा, अभी नहीं दिमाग में आ रहा है। तो एनईपी से कुल मिलाकर के मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों को एनईपी का एक पीडीएफ भेजा है। तो उस पीडीएफ में जहां पर आपको एम्स दिए हुए हैं, शुरू वाला पैरा पक्का से पढ़ लेना, एनईपी का शुरू वाला पैरा पक्का से पढ़ लेना। उसके बाद उसका एम्स या विजन जरूर पढ़ लेना। उनमें ये बात भी है बच्चों में कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस बढ़ाना। और क्या बात है, एक एसडीजी दिया हुआ है, SDG 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, जो कि किसकी बात करता है, इक्विटेबल एजुकेशन की बात करता है। ठीक
ये भी दिया हुआ है एनईपी 2020 के डॉक्यूमेंट में। तो एनईपी 20 के डॉक्यूमेंट को जो पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेजी है, सभी लोग दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन एनईपी 20 से आने के 100% चांस हैं, क्योंकि अभी तक भी आया है, सभी में पूछा है बदल बदल के। तो आप लोगों को एनईपी 20 का विजन पता होना आवश्यक है। चलिए, नीचे वाला भले ही छोड़ देना, ठीक है, लेकिन ऊपर जो बातें उसमें लिखी हुई हैं डॉक्यूमेंट में, वो जरूर रीड कर लेना। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए बता देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स में से आया था भैया, रेक्टेंगलर, रेक्टेंगल से रिलेटेड। रेक्टेंगल में एरिया दिया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है मालूम है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये होता है रेक्टेंगुलर का एरिया। एरिया को शायद वर्ग कहते होंगे, ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें पता क्या दिया हुआ था कि बताओ इसकी जो लेंथ है ना रेक्टेंगुलर की, रेक्टेंगल की लेंथ, एरिया सर, एरिया क्षेत्रफल होता है। अच्छा हाँ, क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल आता किसमें है, वर्ग में आता है, ठीक है, वर्ग मीटर में आता है, क्योंकि मीटर दो बार गुणा हो जाता है, ये भी मान लो मीटर में है, ये भी मान लो मीटर में है, तो अल्टीमेटली जो एसआई यूनिट बनती है वो बनती है मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर। चलिए, तो क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल सही बात है, चलिए क्षेत्रफल होता है, और पैरामीटर आ जाए तो भैया परिधि होता है कि नहीं, परिमाप, परिमाप, परिमाप या परिधि भी कह देते हैं, परिधि भी भैया, परिधि कहते हैं बाउंड्री हो, तो परिमाप और परिधि एक ही बात है। चलिए, अब लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर लेते हैं। लेंथ को वो कह रहा है कि 0.8% बढ़ा दिया गया लेंथ को, ठीक है, ये दी हुई थी 150, ये दी हुई थी 120, अब कह रहा है लेंथ को 0.8% बढ़ा दिया। सेकंड में कह रहा है कि ब्रेड्थ को घटा दिया 0.5%, घटा दिया, क्या कर दिया, घटा दिया। कोई मुझे बता सकता है इसको कैसे सोल्व करेंगे? फिर पता है क्या पूछा था लास्ट में, पूछ रहा था बताओ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया, ये बताना था क्वेश्चन, ये था कि बताइए कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ एरिया में अगर लेंथ को 0.8% बढ़ाते हैं और ब्रेड्थ को 0.5% घटाते हैं। तो लंबाई दी हुई थी 150, चौड़ाई दी हुई थी 120, कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? जी सर, मैं बता सकती, बताइए बताइए सर। इसका पहले एरिया निकाल लेंगे एल इंटू बी करके, फिर उसके बाद जो इसकी लेंथ है उसको 120 का 0.8% निकालेंगे और उसकी नई लेंथ आ जाएगी, ऐसे ही ब्रेथ आ जाएगी, फिर उसका नया एरिया आ जाएगा, फिर उसको उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, फिर ओल्ड अपॉन और पुराना वाला इंटू 100 करके। ओके, तो एक सेकेंड, पहले तो आप ये करोगे, ठीक है, ये आपने मान लो कर लिया, ये मान लो 12 15 18 होते हैं ना, 180 होते हैं, तो ये 18,000 आ गया, ठीक है, ये 18,000 आ गया आपका एरिया, ठीक है, 18,000 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आप क्या कह रहे हो कि हम इसका 0.8% इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो मान लो 150 का 0.8% इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे हम करेंगे 0.8% से गुणा, यानी कि 8/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 15/8 120 आ गया, ठीक है, 1200 हो गया, बटे में 1000 है, तो ये यहाँ आई थिंक 1.2 हो जाएगा, ये 1.200, ठीक है, तो ये हुआ आपका, ये क्या आ गया, इंक्रीज आया है, इतना तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने के बाद नई क्या आएगी, 151.2 ऐसा होगा, है कि नहीं, ये नई हमारी क्या आ गई, लेंथ आ गई। इसी प्रकार से ब्रेड्थ में भी आप लोग सेम चीज करोगे, फिर ये निकालोगे ब्रेड्थ में क्या करोगे, 120 का निकालोगे कितना, 0.5%, फिर उसको घटाओगे, 0.5% का मतलब है कि 5/1000, ठीक है, तो 10 से 10 कट गई, 12 5 60,
और तीन के बाद जीरो लगेगी, यानी कि 0.60 घटाना है। अब इसको घटाना भी है, अब इसको आप घटाओगे 120 में से, तो 119 पॉइंट कितना आ जाएगा, 119.04 ऐसा आ गया है ना, ऐसा आ जाएगा। फिर आप दोनों को क्या करोगे, अब नई लेंथ आ गई, नई ब्रेड आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और पुराने वाले में से घटाओगे, फिर जा करके उसका परसेंटेज निकालोगे। इतना बड़ा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, कोचिंग इसलिए ली जाती है ताकि काम आसानी से हो जाए। क्या सभी लोगों को याद है, मैंने लास्ट उसमें जब आप लोगों को परसेंट ये बता रहा था मैं मैथ, तो मैंने एवरेज के लिए आप लोगों को एक बात कही थी, यदि एक बार कोई भी परसेंटेज बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उसके बाद सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो परसेंटेज में, फिर से घट रहा हो या बढ़ रहा हो, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला याद दिलाऊं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, याद आया? ठीक है, याद आया सबको? कहाँ गए अंगूठे? वेरी गुड, यस सर। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले में पुट करना था। अब आपको यहाँ पे ना तो 150 की आवश्यकता है, यानी कि लेंथ की आवश्यकता भी नहीं है और ब्रेड्थ की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या देखना है, इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। इंक्रीज कितना दिया हुआ है, डिक्रीज कितना दिया हुआ है, तो एक है हमारे पास 0.5 है ना, इतना ही इंक्रीज है ना, और दूसरा है 0.8। तो मान लो ये 0.8 दिया हुआ है, इंक्रीज हुआ। दूसरा क्या दिया हुआ है, प्लस करेंगे वाई, वाई कितना दिया हुआ है, माइनस कम हो रहा है ना, सेकंड वाला कम हो रहा है, कितना 0.5, तो माइनस 0.5, प्लस में क्या आ जाएगा, इन दोनों की गुणा, यानी कि 0.8 इंटू माइनस 0.5 अपॉन 100। बस इसको सोल्व करना था, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा है। 0.8 में से 0.5 गया तो भाई 0.3 आ गया जमा में। अब जमा में क्या रहेगा, ये तो माइनस का है, प्लस माइनस होकर के माइनस बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, इन दोनों की गुना कितनी हो जाएगी, 5 8 40, तो 0. कितना हो गया, 0.4 अपॉन में कितना था 100। बस इसको सोल्व करना था, आपका जवाब आ गया। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से आपका निकल के आ जाता। ठीक है भाई, ओके, आई थिंक ये 8 5 40 हो रहा था, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 0.4 अपॉन 100 ऐसा आ जाता। इसको अपन सोल्व कर लेते तो अपना परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा लगभग लगभग 0.296, कुछ ऐसा जवाब आ रहा है। चलिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था ये वाला, याद रखिए कभी भी परसेंटेज एक बार बढ़ा दे, आप लोगों को भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी दे सकता है कि एक बार कोई चीज का परसेंटेज इतना बढ़ा, उसके बाद में इतना घटा, तो टोटल बताओ। जैसे डिस्काउंट कह दे कि शुरू में इतने परसेंट जो है डिस्काउंट दिया, बाद में इतने दिया, तो बताओ टोटल कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया। मान लो शुरू में किसी चीज पे 20% डिस्काउंट दिया, बाद में उसी पे 30% दे दिया, तो दोनों को मिला करके बताओ कितना दिया। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, 30 की गुणा यहाँ पे बटे 100 और निकाल देंगे। ठीक है भैया, ओके। इसके बाद में जल्दी से सभी लोग नोट कर लेंगे और खुद गूगल कर लेना भैया क्या क्या बता देता हूं। एक क्वेश्चन आया था कंटिग्यूटी थ्योरी से, कंटिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग, सेकंड था इसी में ही, सेकंड स्टेटमेंट था वाटसन थ्योरी का। तो चलो बता देता हूँ, वाटसन थ्योरी और कंटिग्यूटी थ्योरी दोनों लगभग एक ही है, सिमिलैरिटी है इसमें। ये क्या बोलता है वाटसन साहब, पता है क्या कहते हैं इस थ्योरी में, ये कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी काम की, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक चीज होती है, हमने किसी बच्चे को कुछ कहा, बच्चे ने उसका कोई रिस्पॉन्स दिया, तो जो रिस्पॉन्स हम फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं ना, कोई चीज हम बार बार करते रहते हैं, मान लो हमारी चीज, कोई चीज हमारे प्रैक्टिस में रहती है,
यानी कि जैसे मैं मैथ सोल्व करता हूँ क्वेश्चंस, अगर मेरा मतलब स्ट्रेटजी ये है कि चारों ऑप्शंस में से उठा उठा के क्वेश्चन में पुट करते रहो वैल्यू और सही को चेक कर लो, तो अगर मेरी टेंडेंसी प्रैक्टिस इस बात की है तो 90% चांस है कि नया क्वेश्चन आएगा तो भी मैं सेम चीज करूंगा, है ना। क्योंकि वो हमारी क्या बन जाती है, हैबिट। इंसान अपनी हैबिट के जैसे काम करता है, जैसे मतलब जिन तरीकों को अपनाता है बार बार, उसी को नेक्स्ट में भी उसकी नए सिचुएशन में भी उसकी टेंडेंसी क्या रहती है, पुराने तरीके को अपनाने की। बस यही बात कह रहे थे वाटसन साहब। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था वाटसन, गिव्स इम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी या एक्सरसाइज इन लर्निंग। तो बताओ ऐसा इम्फेसिस वो दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, हाँ या ना? दे रहे थे भाई, कि किसी काम को बार बार करोगे तो वो आपकी लर्निंग में आ जाएगा और आप सेम चीज करने की चेष्टा करते रहोगे। जैसे चोर ने एक बार चोरी कर ली तो बार बार कोशिश करेगा सेम तरीके से चोरी करने की, एक पैटर्न फॉलो करता रहता है। या फिर क्या करता है, रीसेंट पैटर्न को फॉलो करता है, लास्ट में उसको जिसमें मजा आया था उसी चीज को बार बार वो फॉलो करेगा। ठीक है, लास्ट वाला तरीका अच्छा लगा तो फॉलो करता रहेगा। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन भैया खतरनाक आया था, बता देता हूं क्या आया था। स्क्रीन चैम्बर और ग्रिट चैम्बर से, और ये दोनों के दोनों शब्द जुड़े हुए हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, WTP। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से जुड़े हुए हैं। तो स्क्रीन चैम्बर क्या करता है, मोटी मोटी जो चीजें हैं ना आपके पानी में, जो ऊपर ऊपर प्लास्टिक के हल्के फुल्के गंदगी, बड़ी बड़ी चीजें जो तैर सकती हैं, तो तैरने वाली चीजों को शुरू में फिल्टर कर दिया जाता है स्क्रीन चैम्बर के द्वारा, और बची हुई जो सस्पेंडेड चीजें हैं अंदर जाकर के जो भारी हैं, जो सेटल हो जाती हैं, उनको कौन वो करता है, फिल्टर करता है, ग्रिट चैम्बर करता है। तो बस यही क्वेश्चन आया हुआ था, दोनों के बारे में उल्टा लिखा हुआ था, ग्रिट चैम्बर के बारे में और इसके बारे में, तो दोनों बातें क्या निकली थी, गलत निकली थी। बात समझ में आई? तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मॉडल जी वाटर को लेके एक क्वेश्चन आया हुआ था सर कि बताओ। पानी को साफ करने के लिए उसमें हम क्या डालते हैं सर, वो क्लोराइड क्लोरीन क्लोरीन डालते हैं, और उसमें ये एक लाइन दी हुई थी, फिर दूसरी लाइन दी हुई थी कि बच्चों के दांत सेफ रखने के लिए हम फ्लोराइड डालते हैं पानी में, तो बताओ ये दोनों कथन सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, दोनों ओके कथन सही है। वाटर को फिल्टर करने के लिए क्लोरीन डालते हैं, और फ्लोराइड की मात्रा यदि कम है तो उसको उसको भी डालते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना, दांतों के लिए फ्लोराइड अच्छा है, लेकिन एक्सेस फ्लोराइड अगर हो, फ्लोराइड की मात्रा अगर ज्यादा हो, तो ये दांतों को काट देता है। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने खुद के लिए भी बोला था कि मेरे यहाँ के पानी में क्या है, फ्लोराइड ज्यादा है, तो वो क्या कर देता है, फ्लोरोसिस कर देता है। फ्लोरोसिस का मतलब है दांतों का जो इनामिल है उसको क्या कर देता है, काट देता है। तो बचपन में एक ही बार दांत बनते हैं, तो मेरे दांत काफी जगह से मतलब सारे दांतों में कट लगे हुए हैं, क्योंकि वो काट दिए भाई पानी ने, है कि नहीं, फ्लोराइड ने काट दिए, एक्सेस फ्लोराइड ने। ठीक है, और कुछ जगह पे पानी में फ्लोराइड नहीं होता है, तो वो भी वहां भी जरूरी है फ्लोराइड की मात्रा। तो हर मिनरल चाहिए लेकिन सम्यक अमाउंट में चाहिए। याद आ गया सबको? वेरी गुड। तो ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसका मॉडल आया हुआ था। हो सकता है आपके नए एग्जाम में, हो सकता है बायोगैस प्लांट का मॉडल आ जाए, बायोगैस प्लांट इसका मॉडल आ जाए, ध्यान से पढ़ लेना भैया। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी आ सकता है, ये भी पढ़ लेना। इसका मैं PDF भी आप लोगों को भेज दूंगा, एक मॉडल भेजा है क्या मैंने ग्रुप में? बताओ बताओ कहाँ गए? नहीं भेजा? मुझे तो लग रहा है भेजा है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल भेजा है भाई, मना कौन कर रहा है दर्शना? मेरी आवाज आ रही है सबको? सभी लोग सुन पा रहे हैं क्या? यस सर।
तो दर्शना जी, ये अंगूठा नीचे कैसे आया? ग्रुप देखा है आपने? बता तो दो दर्शना। वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी फेस शीट ऑलरेडी ग्रुप में है, भेजा हुआ, ठीक है? ओके, तो वहां से पढ़ लेना, वहां पे ये दोनों चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ऐसे नए क्वेश्चन भी आते हैं भाई, कोई बच्चा नहीं कर पाया होगा, ठीक है? नए क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोगों के पास में एडवांटेज है, आप लोगों को नए क्वेश्चंस का पता है क्या पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार से किसी ना किसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और खासकर वाटर ट्रीटमेंट से ही पूछ रहा है, जैसा कि अभी गीता जी ने भी बताया, ठीक है? ओके, चलिए और बात कर लेते हैं। हाँ, परसेप्चुअल टाइम से क्वेश्चन आया था। परसेप्चुअल टाइम, ये वो टाइम होता है जिसमें हम सामने वाले को परसीव करते हैं, समझते हैं कि भैया सामने वाले ने क्या बोला। तो कुछ समय लगता है ना हमें उस चीज को प्रोसेस करने में, उसके जो हाव भाव है उनको समझने में, वही होता है परसेप्चुअल टाइम। इससे क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन इसी में ही था, परसेप्चुअल कम्युनिकेशन। परसेप्चुअल कम्युनिकेशन में भी यही था कि दूसरे के जो बातें हैं उनको जब हम अपने ब्रेन में प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड था कि हाँ, उसको परसेप्चुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। परसेप्चुअल कम्युनिकेशन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डिडक्टिव इंडक्टिव से आया था। भैया देख लो, क्लास में हमेशा बताता रहता हूं मैं आप लोगों को कि डिडक्टिव इंडक्टिव कर लेना। डिडक्टिव इंडक्टिव से ऐसे ही आया था कि इसमें कंक्लूजन क्या होता है, पक्का होता है कि नहीं भैया? डिडक्टिव से जो कंक्लूजन आएगा दैट विल बी सर्टेन, दैट विल बी पक्का पक्का, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रिमाइसिस से ही इंटेल्ड होता है, इंटेल्ड बाय द प्रिमाइसिस। तो प्रिमाइसिस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होगा ही होगा। ओके, एक इंडक्टिव से था कि प्रीमाइसिस में ही बरीड रहता है आपका कंक्लूजन, ठीक है? और क्वेश्चन एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल से। लो भाई, अब तक कह रहे थे कुछ बच्चे कि सर वो क्वेश्चन आया नहीं, मैं कह रहा था रेफरेंसिंग स्टाइल से पक्का आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको एपीए से पूछ लेगा। तो एपीए का फॉर्मेट याद करने के लिए बोला था ना, उसी को अरेंज करने के लिए कह रहा था। वो क्या कह रहा था? ऑथर का नेम, ऑथर का नेम, ऑथर का सरनेम, पब्लिशर, और जर्नल का नाम, जर्नल का नाम, और पेज नंबर, और डीओआई, इनको अरेंज करो, इन सबको अरेंज करने के लिए कह रहा था कि इनको अरेंज करिए लॉजिकल ऑर्डर में। भग गया, गई मेहनत। चलो कोई बात नहीं, वैसे ही याद रख लेना। एपीए स्टाइल की रेफरेंसिंग से क्वेश्चन आया था, जिसमें आप लोगों को याद रखना है मैं ठीक ऑर्डर में अरेंज कर रहा था। पहले आता है ऑथर का सरनेम, उसके बाद में क्या आता है? ऑथर का नेम, मेन जो नाम है वो। उसके बाद में आता है भैया ईयर ब्रैकेट में, और ईयर के बाद में फिर क्या आता है? जर्नल का नाम, पहले आर्टिकल का नाम, आर्टिकल का नाम, उसके बाद में फिर आपका जर्नल का नाम, पब्लिशर का नाम, फिर पब्लिशर के नाम से पहले आ जाता है पब्लिशर का एड्रेस, कहाँ पे पब्लिश हुआ, फिर पब्लिशर का नाम। उसके बाद में आ जाता है आपका चैप्टर नंबर, चैप्टर के बाद आ जाता है आपका पेज नंबर, और पेज नंबर के बाद लास्ट में क्या आता है? डीओआई। लास्ट में क्या आता है? डीओआई। डीओआई का मतलब है ये, इसका रेफरेंस एक आ जाता है कि ये यहाँ पे पब्लिश हुआ है, ठीक है? तो लास्ट में डीओआई, शुरू में ऑथर का सरनेम, और डीओआई से जस्ट पहले पेज नंबर, और एक चीज और आई हुई थी ऑथर का नेम। इन चारों को अरेंज, सॉरी जर्नल आया हुआ था, ये चारों को अरेंज करना था। तो आप लोग अरेंज कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एपीए स्टाइल में अरेंज करना है, सरनेम सबसे पहले, फिर जर्नल आएगा, फिर पेज नंबर आएगा, फिर डीओआई आएगा।
सर बच्चों को बोलना कि आईसीटी की उसमें है ना जितनी भी फुल फॉर्म है ना उन पे फोकस कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत तरह के ना खिचड़ी पका के देते हैं, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सर। चलो ठीक है भाई, आईसीटी में फुल फॉर्म्स जरूर कर लेना। आईसीटी से जो क्वेश्चन आया था बता देता हूँ, एक आया था आपका जो है शेयरवेयर, शेयरवेयर, मालवेयर और फ्रीवेयर, एक और था इसी में ही कोई वेयर था, शेयरवेयर, मालवेयर और ये सब। इनमें से बस एक बात पूछ रहा था कि हमें कई बार कोई चीज फ्री में मिल जाती है, कोई सॉफ्टवेयर हमें ओपनली फ्री में मिल जाता है, लेकिन कुछ लिमिटेड फीचर्स ही मिलते हैं, ज्यादा फीचर्स के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कई ये पीडीएफ वाले जो आप लोग डाउनलोड कर लेते हो, कि आपको कौन सा वर्जन मिल जाता है, फ्री वर्जन मान लो मिल गया, उसमें अंदर आपको क्या देता है कि ये प्रीमियम फैसिलिटीज हैं, तो आपको बार बार क्या ऐड देता है कि इसका प्रीमियम वर्जन खरीद लो, देता है कि नहीं देता है, समझ रहे हो? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, शेयरवेयर कहते हैं, फ्रीवेयर कहते हैं, मालवेयर कहते हैं, जल्दी से बताओ, कोई भी बता दे। फ्रीवेयर। नहीं भैया, फ्रीवेयर नहीं कहते, उसको कहते हैं शेयरवेयर। अब बता देता हूँ डिफरेंस दोनों में। फ्रीवेयर में क्या होता है, आपको सारे फीचर्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और शेयरवेयर में क्या होता है कि आपको सारे फीचर्स को अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे परचेज करना पड़ता है, या लिमिटेड वर्जन भी आप इसे कह सकते हो। लिमिटेड वर्जन को क्या बोलते हैं, शेयरवेयर। जैसे कई बार कह नहीं देता है 14 दिन का ट्रायल, चलो 14 दिन का यूट्यूब का ट्रायल ले लो, 1 महीने का ट्रायल ले लो, उसके बाद क्या लेना पड़ेगा, यूट्यूब प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा, अकाउंट की डिटेल पहले ही भरवा लेगा, बोलेगा 1 महीना फ्री ऐसे नहीं दूंगा बेटा, पहले अकाउंट डिटेल डाल, 1 महीने बाद अपने आप काट दूंगा, समझ गए, याद आ गया? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, शेयरवेयर, ठीक है, जो बिल्कुल फ्री हो, फ्रीवेयर। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में क्या कर देगा, गड़बड़ कर देगा, ठीक है, कंप्यूटर में क्या कर देगा, गड़बड़। ऐसे अगर सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड कर लिया तो वो क्या कर देगा, कंप्यूटर में ले आएगा वायरस और आपके डेटा को चोरी कर देगा, करप्ट कर देगा, गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो डेटा के साथ छेड़खानी करना, आपकी सिक्योरिटी के साथ छेड़खानी करने का काम किसका है, मालवेयर का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था तो सभी लोग ध्यान देंगे, आईसीटी यूनिट में बाद में जो वो टर्मिनोलॉजीज दी हुई है उनको जरूर पढ़ के जाएंगे। ओके, हायर एजुकेशन से क्वेश्चन आया था भैया, हायर एजुकेशन में पूछ रहा था, एंशियंट एजुकेशन में, एंशियंट हायर एजुकेशन में क्या क्या बेसिस थे पढ़ाई के, किन बेसिस पे पढ़ाई होती थी, आदर्श क्या क्या थे, तो उनमें था आपका रिलीजियन, रिलीजन पे बेस्ड थे, फिलोसॉफी पे बेस्ड थे, इकोनॉमिक्स पे बेस्ड थे, एथिक्स पे बेस्ड थे, नॉन वायलेंस पे बेस्ड थे, ठीक है। तो आप लोगों को इनमें से कॉम्बिनेशन चूज करना था कि किस किस पे बेस्ड थे, तो ठीक है एथिक्स पे तो थे ही थे, उसके अलावा रिलीजन पे थे, उसके अलावा मुझे लगता है फिलोसफी पे थे, नॉन वायलेंस तो मुझे लगता है गांधी वांधी के टाइम पे आया है, ये तो इंडिपेंडेंस के बाद की बात है, पुराने समय में तो युद्ध याद सब चलता था, आर्चरी वार्चरी सिखाते थे, है कि नहीं। चलिए तो वही कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, ए बी सी डी, ए ए ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली, ऐसे सब दिया हुआ था, पांचों में से आपको तीन के एटलीस्ट शायद कॉम्बिनेशन छाटने थे, 3 या 2 का ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि आपका कौन से ईयर का है, 1986 का है, इसका अमेंडमेंट पूछ रखा था कि बताओ इसमें कब संशोधन हुआ था लास्ट, तो भैया ये संशोधन हुआ था 1991 में, ठीक है, 1991, ऑप्शन में दे रखा था 91, 92, 93, 94, ठीक है, आपको 91 टिक करना था, क्लियर। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से ऐसा क्वेश्चन, बड़ा गहरा क्वेश्चन था ये,
आपको बुक में भी शायद ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन गहरा क्वेश्चन था। तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जनरल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जितना लाइट लेके समझ रहे हो कि बार बार से क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके ठीक है, एपीए वाला मैंने बताया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अभी आपके में क्या आ सकता है, वाइल्ड लाइफ एक्ट आ सकता है। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट पता है कब का है, 1972 का है। आपको अगला आ सकता है फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट पता है कब का है, 1980 का है। इन दोनों को भी कर लीजिएगा, इनके अमेंडमेंट भी एक बार देख लेना कब कब हुए, और ये तो मैंने कराई दिया, ये भी याद रखना, सेम क्वेश्चन आ जाए तो करके तो आओगे। ओके, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के स्टेप्स पूछे हुए थे, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के स्टेप्स पूछे हुए थे, आपको स्टेप्स दिए हुए थे, अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना। तो लर्निंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला था सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, तो आपको पता है क्या कर रखा था, नीचे उसने लॉज दिए हुए थे 1 2 3 4 5 6, 6 में से पूछ रहा था बताओ सेकेंडरी लॉज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी लॉ कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं। तो भैया एक बात बताओ, थॉर्नडाइक साहब ने, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, थॉर्नडाइक ने लॉज दिए थे, लॉज लर्निंग के, और उन लॉज में से दो लॉ मैंने आपको क्लास में कराए थे, और वो दोनों के दोनों लॉ कौन से हैं, प्राइमरी लॉ है। किसी को याद है वो लॉ, मुझे तो याद है कि आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, बट मुझे नहीं लगता आप लोगों को याद होंगे, बताओ किसी को याद हो तो बताओ, पढ़ते कम हो, इसीलिए मैं रोज कहता था भैया घर जाके पहले जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज करो। चलो बता देता हूं, एक बताया था मैंने लॉ ऑफ इफेक्ट, याद आया लॉ ऑफ इफेक्ट, और दूसरा बताया था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, वेरी गुड, सेकंड बताया था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो आप लोगों को ये नाम तो याद है, लेकिन वही है प्राइमरी लॉ, ये सब नहीं पता, थॉर्नडाइक का नाम तो याद रखना था, ठीक है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है कि वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाली बात, पनिशमेंट मिलेगी तो व्यक्ति दोबारा नहीं करेगा काम को, रिवॉर्ड मिलेगा तो बार बार करेगा। दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज बताया था, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो ये दोनों लॉ भी उसमें दिए हुए थे, तो ये दोनों कौन से हैं, प्राइमरी, इनके अलावा जो आ जाए सेकेंडरी, ठीक है भैया। ओके तो आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए प्राइमरी कौन से है, सेकेंडरी अपने आप छांट दोगे फिर, खत्म बात, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखो स्क्यू से आया हुआ था, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का क्वेश्चन आया था, मैंने आप लोगों को दोनों चीजें बताई थी जब रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया था, तो एक बार दोबारा पढ़ लेना उसको। एक तो मैंने आप लोगों को ये डायग्राम बना बना के दिखाए थे, याद हो अगर किसी को, एक सेकंड डायग्राम मैंने ये बनाया था कि एक तो है ऐसा, सॉरी हाँ, और दूसरा है ऐसा, और तीसरा कैसा है ऐसा, ये ऐसे बना के दिखाए थे, याद हो किसी को तो। यस सर, यस सर, बनाए थे। हाँ, तो ये बताए थे मैंने कौन से, प्लेटिकर्टिक और ये सब बताया था, प्लेटिकर्टिक होता है, लेप्टोकर्टिक होता है, ठीक है, लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आप लोग देख लेना कि ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये तीनों डायग्राम देख लेना, ठीक है। स्क्यूनेस वाले कौन से हैं, ये है, नेगेटिवली स्क्यूड है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछता था, इसमें पूछ रहा था मीन मीडियन मोड के बारे में, तो जैसे ही बुक में देखोगे तो आपको यहाँ पे मीन मीडियन मोड के खांचे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप सभी लोग गूगल कर लेना, क्या गूगल कर लेना, ये दोनों बातें गूगल कर लेना, क्या क्या, एक तो स्क्यूनेस
और दूसरा वो कर्टिक वाला, ठीक है, मीजो कर्टिक, लेप्टो कर्टिक और प्लेटी कर्टिक, ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड, और यहाँ पे वो तीनों, ठीक है। दो चीजें गूगल कर लेना कि तीनों इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, ऑलरेडी क्लास में बताया था, डायग्राम देखोगे तो रिवाइज भी हो जाएगा। मीन मीडियन मोड कहाँ कहाँ लाई करता है इनमें दिया होगा, ऐसे लाइनें बनी हुई थी ना, वहां मिलेगा आपको, तीनों चीजें मिलेंगी, राइट। चलिए एक क्वेश्चन था आपका फैलेसी से, फिर क्वेश्चन आया हुआ था, फैलेसी माने वही हेतुआभास, हेतुआभास का कोई टाइप पूछा हुआ था फिर से, यानी कि दो क्वेश्चन थे जो हेतुआभास के टाइप से पूछे हुए थे। ओके, एक क्वेश्चन आपका रिसर्च में पी वैल्यू से आया था, मैंने आप लोगों को बिल्कुल बताया था नल हाइपोथीसिस के केस में, नल हाइपोथीसिस में एक बात कही थी कि अगर पी वैल्यू आपकी 0.05 यानी कि 5%, ये 5% ही तो हुआ भाई, 5% को क्या लिखेंगे, 5/100, और 5/100 को क्या लिखेंगे, 0.05, अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0. लेस देन हो गया, ये ज्यादा हो गया, उल्टा हो गया ना, ये अब हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0.05 है, तो आप नल हाइपोथीसिस को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। और अगर आपकी पी वैल्यू ज्यादा है किससे, 0.05 से, तो नल हाइपोथीसिस को क्या कर दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, क्या कर दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, ये बात क्लास में बता। पी वैल्यू के बारे में याद आया, ठीक है। ये बस कोई क्वेश्चन था, उसमें पता है चार वैल्यू दी हुई थी, तो 0.05 के कंपैरिजन में आपने देखना था कि ज्यादा है या बड़ी है, 0.05 से बड़ी है तो क्या कर लोगे, नल हाइपोथीसिस को एक्सेप्ट। अदरवाइज क्या कर दोगे, रिजेक्ट। NEP 20 से, हाँ NEP 20 से बता दिया मैंने आप लोगों को, बता दिया कि NEP 20 में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहा है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, तो इसको एक बार NEP 2020 के डॉक्यूमेंट में जरूर देख लेना, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आया था कि भारत के राजकुमार, इंडियन प्रिंसेस, पुराने समय में किस कॉलेज में पढ़ते थे, पुराने समय में किस कॉलेज में पढ़ते थे, बताओ। गुरुकुल में सर। ना, ये क्वेश्चन शायद उठा भी था एक बार कि कहाँ पढ़ते थे, किसी कॉलेज का नाम फिक्स था मुझे जहां तक जो याद आ रहा है, मेरे हिसाब से, मैं बताऊं कि आप लोग बता रहे हो सर, नालंदा यूनिवर्सिटी क्या, नहीं सर, क्या यूनिवर्सिटी थी क्या जिसमें, यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेजेस के नाम दिए हुए थे, एक आपका कॉलेज दिया हुआ था कोलकाता वाला, कोलकाता में कौन सा है वो, सेंट जेवियर कोलकाता, ये दिया हुआ था, एक आपको इसी प्रकार से आई थिंक एक कॉलेज है रेड कुछ करके लखनऊ में, वो दिया हुआ था, इसी प्रकार से दो और दिए हुए थे, तो मेरा जहां तक ख्याल है ये जो लखनऊ वाला जो कॉलेज है, ये लखनऊ वाला कॉलेज शायद मैंने पढ़ा है कि ये दिया हुआ था कहीं ना कहीं, है ना,
कि यहाँ सर ये पे फेमस क्यों है, फेमस है क्या लखनऊ है। वाला कॉलेज। सर ये फेमस है एजुकेशन के लिए, लखनऊ वाला जो कॉलेज है काफी फेमस है सर ये। हाँ तो ये इसीलिए फेमस होगा क्योंकि लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर है कि नहीं, नवाबों का शहर कहते हैं। और ये मेरे को कॉलेज भी लग रहा है, ला मेरिटिन कॉलेज या कुछ ऐसा करके कुछ कॉलेज है शायद। ठीक है। सर लॉ से याद आया, लॉ का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि लॉ सीखने के लिए पुराने टाइम में सबसे पहला कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन उन्होंने कोलकाता भी दे रखा था एक। अच्छा तो शायद लॉ के लिए यूनिवर्सिटी यस सर। या कॉलेज थी। सर कॉलेजेस थे और उन्होंने ना अपने देश के कई राज्यों के नाम दे रखे थे, जिसमें मुझे कोलकाता याद आ रहा है कि एक कोलकाता भी था। अच्छा ठीक है। तो अब इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब मुंबई वाला भी काफी इसमें पुराना है। इलाहाबाद आ सकता है क्या? इलाहाबाद लखनऊ ही था, इलाहाबाद तो नहीं था। नहीं, ये जो गीता दीदी ने क्वेश्चन बताया है अच्छा उसमें वो इलाहाबाद का ऑप्शन नहीं दे रखा था, इलाहाबाद वाला ऑप्शन नहीं इलाहाबाद था नहीं, उसमें। बेंगलोर था क्या? बेंगलोर था क्या? बेंगलोर था, कोलकाता था और दो और थे। तो राज बेंगलोर भैया में ने भी देखो, कुछ एग्जाम दिया था। राज देखो भैया भी बता दो बेंगलोर कुछ अगर में याद पहली हो। यूनिवर्सिटी जो थी वो बेंगलोर में थी, और अभी अपना वो लॉ वाला जो है वो भी साउथ में ही है, जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है लॉ का। तो खैर चलो, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कौन से वाला पूछता है। तो प्रिंसेस कहाँ पढ़ते थे भाई? मेरे हिसाब से तो प्रिंसेस जो है अपना लखनऊ में ही पढ़ते थे। ठीक है। और बाकी जो अपना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है? बेंगलोर में है। ये बात भी हम लोगों ने पढ़ी थी जब हम हायर एजुकेशन में उचित मिलान खेल रहे थे, है कि नहीं? तो हमने एक शिमला में कोई यूनिवर्सिटी पढ़ी थी एडवांस स्टडीज की, हिमाचल में। तब लॉ वाली यूनिवर्सिटी हमने कहाँ करी थी भैया? अपना बेंगलोर में। एक ठीक है। तो क्वेश्चन था एक सर, राजा राम मोहन राय का ने अपना कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया था और कहाँ किया था। अच्छा ठीक है, तो राजा राम मोहन राय वाला तो शायद हम लोगों ने कर लिया था। बताओ भाई, मैंने मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था, क्लास में डिस्कस हुआ था ये तो। भूल गए सर बच्चे। गीता जी ने उसी दिन जब बोला था तभी मैंने बताया था। वेदांत कॉलेज कैलकटा बताया था कि नहीं? गीता जी आपको बताया था मैंने फोन पे, याद हो तो। सर ऑप्शन आया हुआ था हिंदू विश्वविद्यालय कोलकाता, ये था एक तो, वेदांत और वेदांत कॉलेज, वेदांत था उसका आंसर। वेदांत कॉलेज कैलकटा। ओके हाँ आपने कहा मैं कलकत्ता करके आई हूँ। हाँ मैं कलकत्ता करके आई हूँ सर। तो हमारा फोन पे बात हुई थी तो मुझे याद आया कि मैंने गीता जी को फोन पे बताया था कि यस सर जो वेदांत कॉलेज कलकत्ता है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। ओके। और ये जो BHU है ये किसने इस्टेब्लिश करी थी? मदन मोहन मालवीय ने। चेक कर लेना, मुझे तो यही याद आ रहा है। ठीक है। ओके। उसके अलावा लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एक आधा क्वेश्चन ओजोन से आया था, ओजोन से। तो ओजोन के बारे में गीता जी के पास आया था कि ये कौन सी लेयर में आता है? तो ये भैया स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। ओजोन लेयर जो ऊपर वाली है आपकी, कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में। एक क्वेश्चन पता क्या आया था? दो स्टेटमेंट आई थी ओजोन के लिए कि जो एटमोस्फेरिक ओजोन होती है, एटमोस्फेरिक ओजोन ये होती है नुकसानदायक, हानिकारक, और जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है
वो होती है बेनिफिशियल। तो भैया ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। जो जो ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में बनती है, ये हमारी आंखों को, हमारे शरीर को करती है नुकसान, ये है पोल्यूटेंट। और जो ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये है लाभदायक, ये यूवी रेज से बचाती है। ठीक है, तो ओजोन के बारे में ये तीन बातें याद रखना। स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयरिक खराब होती है, स्ट्रेटोस्फेयर वाली फायदा करती है, एक बचाती सेक है। सर, जैसे अभी एनवायरनमेंट में एक क्वेश्चन आया सर, बिल्कुल जो करंट अफेयर का था, मोदी ने अभी कुछ सम्मेलन किया था जिसमें आसपास के जितने भी द्वीप थे ना, द्वीप, उन देशों को बुलाया था और उस सम्मेलन का नाम पूछा था। तो जितने भी सर अभी जो करंटली जो हुआ है ना पर्यावरण को लेके, एक बार मोटी मोटी नजर मार लेंगे ना बच्चे, याद रह जाएगा कि कौन से अभी हुए हैं इसी साल के अंदर के या 2022 तक के। बस ठीक है भाई, तो आप लोग रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इन्वायरमेंट करके चेक कर लीजिएगा। तो उसी रीसेंट डेवलपमेंट में से ही इथानॉल वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, जो करा दिया मैंने। अगली बात है, गीता जी ने जो बताया कि रीसेंट सबमिट जो हुए हैं इन्वायरमेंट के, उनको एक बार देख लेना। चलिए अगली बात बता रहा था मैं, यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मुताबिक प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म मैंने आप लोगों को व्हाट्सअप किया है, व्हाट्सएप पे भेजा है कि प्लेगरिज्म के लेवल कौन कौन से होते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। शालू बताओ, लेवल 1 में प्लेगरिज्म कितना होता है? नहीं है, है जुड़ी हुई है, बताइए। नहीं पता, चलो बाकी लोग इसको कर लेना भाई। लेवल वन में, छत्तीस हाँ, अप टू 10%, 10% तक, सिर्फ 10% नहीं, 10%, 0 से 10। ठीक है, उसके बाद 10 to 60%। 10 to 60 नहीं रे बाबा, 10 से 40 होगा, 40, हाँ जी 40। 10 से 40, और थर्ड पे आ जाता है 40 से 60। ठीक है, और तीनों के लिए पनिशमेंट भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भेजी हुई है, तो वो भी याद रख लेना। ठीक है, ओके। और ये कौन से उसमें है? यूजीसी रेगुलेशन 2K में है, प्लेगरिज्म के बारे में। ठीक है, किसमें मिलेगा? 2K में मिलेगा। ओके, एक सेकेंड शिवांशु, समथिंग इज डिफ, गलत किया। 10% तक तो अलाउड है ना भाई, 10% प्लेगरिज्म तो अलाउड है, तो इसको तो एक्सक्लूड कर देंगे, ये तो एक्सक्लूडेड है। अब यहां से मामला शुरू होगा। लेवल 1, लेवल 1 में कितना होगा? 10 to 40। 10 to 40। लेवल 2 में कितना होगा? 42, 60। और लेवल 3 में कितना होगा? 60 से अबो। ठीक है, 10% तक तो एक्सक्लूड होता है, मतलब चलता है, 10% तो बोलता है चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, कि ये जो 10% एक्सक्लूड है ना, इसका भी कुछ क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि टोटल का 10% ना, 10% में भी कुछ चीजें हैं जिनका 10%, यानी कि लिटरेचर रिव्यू में 10% चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट या रिसर्च पेपर की जो समरी होती है, समरी में, कंक्लूजन में, रिकमेंडेशंस में, समरी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, इन सब में प्लेगरिज्म बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नॉट अलाउड। 1% भी अलाउड नहीं है, अपना खुद का होना चाहिए। ठीक है, आपके जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स में प्लेगरिज्म नहीं चलेगा, दूसरे के रिजल्ट कॉपी करके नहीं लगा सकते। ठीक है, पता चला 10% में आपने रिजल्ट रिजल्ट कॉपी कर दिए, बाकी चीजें अपनी लिख दी, बताओ ओरिजिनल तो कुछ बचा ही नहीं, समझ गए? ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ये चार पांच चीजें मैंने बता दी, शॉर्ट मारना चाहो तो कर लो, ध्यान रखना। चलो, और सर एक बार बाकी एक्सेल के बारे में भी बता देते। एक्सेल बता देता हूँ, एक याद रखना, ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन कुछ आ जाए तो, ग्रुप कम्युनिकेशन। इसके अलावा एसडीडी, एचडीडी से क्वेश्चन था आईसीटी में,
एचडीडी और एसडीडी। देखो भाई मैंने बताया था आप लोगों को कि एसडीडी जो है ये आजकल आ रही है, एसएसडी सॉरी एसएसडी। तो एसएसडी क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये होती है फास्टर, और पुराने वाली जो हार्ड डिस्क होती थी वो क्या होती है भैया, स्लो। इसी प्रकार से रैम के बारे में पूछा होता था, रैम के बारे में दो स्टेटमेंट आए थे, रैम और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो रैम होती है प्राइमरी मेमोरी, ये होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी शब्द यूज किए थे रैम रोम की बजाय। तो ये होती है भैया फास्ट रैम और ये होती है स्लो। बस ये दोनों दिए थे, पूछा था ट्रू फॉल्स बताओ कि दोनों सत्य है, एक सत्य है, कौन सा क्या है। ठीक है, तो ये बात भी रखना ध्यान। अब बात आ जाती है एक्सेल शीट की, लास्ट क्वेश्चन। एक्सेल शीट में क्या होता है, अच्छा एक हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट कल्चर से भी आया था कम्युनिकेशन में, हाई कंटेक्स्ट कल्चर और लो कंटेक्स्ट। हाई कौन सा होता है, जिसमें हमें कम शब्द बोलने की आवश्यकता होती है, जैसे भारत में इंडिया, चाइना, एशिया, यहाँ पे बातें ज्यादातर क्या है, मतलब समझ जाते हैं हम लोग, इशारों में भी बातें समझ जाते हैं। लेकिन यूएस हो गया आपका, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, उधर क्या है, हर बात आपको क्या करनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है, बोल बोल के समझानी पड़ती है। जैसे आप लोग जब योगा इंस्ट्रक्टर बन जाओगे, फॉरेन क्लाइंट्स को सिखाओगे, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। उनको आपने किसी पोजीशन में होल्ड करके छोड़ दिया और आप भूल गए रिलीज कराना, एक घंटे बाद भी वो उसी पोजीशन में मिलेंगे आपको, समझ गए। क्यों, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो उनका कल्चर नहीं है, वो जब तक एक एक चीज लिख करके बता करके नहीं करोगे तब तक वो नहीं समझेंगे। ठीक है, तो ये हाई कंटेक्स्ट लो कंटेक्स्ट वाली बात को भी याद रखना। फैलेसी से तीन क्वेश्चन आए थे, तो फैलेसी से मतलब तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, देख लो। अगला है बस 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 इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया, मैं आप लोगों को कई बार बता रहा था इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल दोनों में डिफरेंस याद रखना। आप भीतर भीतर अपने आप से जो बात करते हो इंट्रापर्सनल होता है। अब अगली बात कर लेता हूँ, लास्ट बात एक्सेल शीट की। एक्सेल शीट में ध्यान दीजिएगा कि आपके पास दो तीन कंडीशन होती है, या तो और यूज कर लो, या एंड यूज कर लो, या इफ यूज कर लो, या तीनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लो, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहा है लगभग लगभग। आपको कुछ डेटा दिया होगा एक्सेल शीट में, मान लो ये आपकी शीट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं एक्स वाई जेड जो भी है। तो ये जो आपकी शीट है जहां से डेटा शुरू होता है, ये मान लो कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये जो आपकी सेल है, पहले में तो हेडिंग आ गई भाई, मान लो यहाँ पे हमने दिया आइटम नंबर, आइटम्स यहाँ पे हमने दिया मान लो प्राइस, तो पहले में तो ये आ गया। तो इस सेल का नाम क्या होगा ए टू, इस सेल का नाम क्या होगा बी टू, इस सेल का नाम क्या होगा बी थ्री, इस सेल का नाम क्या होगा बी फोर, इस सेल का नाम क्या होगा सी टू, इसका डी टू। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, ये कितनी होगी ए फोर, ये ए थ्री। ठीक है, इसी प्रकार से ए की सीरीज पूरी नीचे तक चलती रहेगी, सिर्फ बी सी इसके सी की। ठीक है, आपको कुछ डेटा दिया हुआ था और कंडीशन दी हुई थी कि यदि मान लो ये होता है तो रिजल्ट ये आएगा, जैसे मान लो दो चीजें दी हुई। अब मान लो यहाँ पे कोई डेटा है, यहाँ पे मान लो वैल्यू पांच है, यहाँ पे वैल्यू छ है, तो यहाँ पे वैल्यू मान लो जो भी आई, फॉर एग्जाम्पल 11 आ गई, यहाँ पे वैल्यू मान लो 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, दोनों का जोड़ 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मान लो 4 है, यहाँ पे मान लो 6 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई डेटा है जिसमें वैल्यूज ऐसे दी हुई है। ठीक है भाई, अब देखो एक होता है आपका फॉर्मूला सम का, तो सम में आप क्या करते हो, एक चीज को लेते हो सम कर देते हो, फिर उन दूसरी चीज को लेते हो कोमा लगा करके दोनों चीजों को लिख देते हो, आपका सम होके आ जाता है, ये ब्रेकेट में रहते हैं और सम इज इक्वल टू का साइन सबसे पहले लगता है।
तो कोई भी फंक्शन लगाने से पहले, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले क्या साइन लगता है? इज इक्वल टू, ये याद रखिए। सम करना है तो क्या लगेगा? सम। एवरेज करना हो किसी का तो क्या लगेगा? एवरेज। ठीक है, इसी प्रकार से जिसका जो करना है फॉर्मूला वही नाम से लग जाएगा। अब सम मान लो आपने करना है, किस किस का सम करना है? भैया आपको ए वन का सम कर, ए टू का सम करना है, और किसका सम करना है? बी टू का सम करना है, तो आप ऐसे कर दोगे। ठीक है, ए टू बी टू, ओके। और ये रिजल्ट आपका कहाँ आना चाहिए? जैसे मान लो आपका रिजल्ट ये आना चाहिए सी टू में, तो सी टू इज इक्वल टू ये कर दोगे आप, सी टू इज इक्वल टू दिस वन। हालांकि हो सकता है मेरा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो फॉर्मूला में, कुछ गड़बड़ हो, अभी करेक्ट करा देंगे, लेकिन एक समझाने के तरीके से पहले बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगता है, फिर सम करना है तो सम लिखा जाता है, एवरेज करना है तो एवरेज लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कहीं कोई कंडीशन लगानी हो आपने, जैसे मैं ये कह दूं कि हम मान लो जिन लोगों के 10 से ज्यादा नंबर है उनको हम गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इसके ज्यादा है, इसके ज्यादा है, इसके नहीं है, इसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से नीचे तक डेटा दिया हुआ है तो हर एक को टिक करना हो जाएगा मुश्किल। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉलम रख दिया गिफ्ट, तो गिफ्ट के लिए यहाँ यस आ जाएगा, यहाँ यस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? नो। अब ये बात हम चाहते हैं ऑटोमेटिक हो जाए, क्या हो जाए? ऑटोमेटिक हो जाए, नीचे तक हमें आवश्यकता ना पड़े यस और नो लिखने की। तो हम क्या करेंगे, ये डी सेल है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखते जाओ। इफ, सबसे पहले तो इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इफ ये मान लो हम दो चीजों को जोड़ना चाहते हैं, तो मान लो कि बी टू और सी टू को जोड़ना चाहते हैं, बी टू का रिजल्ट और सी टू का रिजल्ट। इफ डी टू में हम चाहते हैं, मान लो हम चाहते हैं डी टू में, इफ डी टू इज कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंडीशन लगा दी इफ, कंडीशन लगाने के लिए क्या यूज करते हैं, इफ। फिर हमने लिख दिया डी टू, डी टू की वैल्यू लिख दी कि भैया 10 या 10 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं कि कब होनी चाहिए, तो कब होनी चाहिए, जब हमारा जो बी टू है, बी टू प्लस सी टू ये दोनों का जोड़ आ जाए कितना, 10 या 10 से ज्यादा, तब हमने क्या लिखना है। अब वो यहाँ पे आ जाएगा कोमा लगा करके, क्या लिखना है, गिफ्ट, ऐसा कि इनको देंगे हम गिफ्ट, और उसके बाद कोमा लगा करके नो गिफ्ट। ठीक है, या फिर यस और नो में करना चाहते हो तो यहाँ पे यस और कोमा लगा करके नो। अब एक चीज देखो, यस और नो दोनों एक साथ लिखे हैं, तो जो हम पहले लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि कंडीशन पूरी हो जाए तो ये रिजल्ट देना, और जो बाद में लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि कंडीशन पूरी ना हो, यानी कि 10 या 10 से ज्यादा ना हो, तो फिर ये लिखना। बात समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहूं मैं अगर आप लोगों को, वैसे एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन इजी रहेगा, मोटा मोटा यहां से समझ लो। लो ये वैल्यूज दी हुई है, अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो भाई, सबसे पहला फॉर्मूला देखो, इफ एंड ए टू वैल्यू ज्यादा हो जीरो से और बी टू की वैल्यू क्या हो, 100 से कम हो, तो फिर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए टू ग्रेटर देन जीरो है और बी टू
हंड्रेड से कम है तो फिर क्या होना, हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, ट्रू लिखा हुआ आना चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए, फॉल्स लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक, इसने क्वेश्चन को कैसे किया है, ये डेटा देखो, ये आपको दिख रहा है वैल्यू टेबल वन में, ए में, बी में, सी में, तीनों में दिखाई दे रहा है, एक में 25 है, दूसरे में 75 है, तो ये कहना चाह रहा है कि एक में 25 हो, दूसरे में 75 हो, तो दोनों की वैल्यू बताना चाह रहा है कि अगर जीरो से ज्यादा हो, दूसरा 100 से कम हो, तो हमारा क्या आना चाहिए, ट्रू और फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन आपको कुछ भी हो सकती है, बस आपने ध्यान देना है कि कंडीशन लगेगी तो क्या आएगा, इज इक्वल टू इफ आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इज इक्वल टू इफ आएगा। अगर दो चीजों का मिक्सअप होना हो तो एंड भी आएगा, और यदि दोनों में से एक चूज करना हो कि या तो लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, तो आपको क्या यूज करना है, और, ओ आर और कैपिटल में यूज करना है। अंदर आपको क्या देनी है, उसकी वैल्यू डालनी है, लास्ट में आपको यस नो या ट्रू फॉल्स लिखना है। ये यस नो और ट्रू फॉल्स किस पे डिपेंड करेगा, आप रिजल्ट क्या चाहते हो। तो क्योंकि आपको ऑलरेडी एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा वैल्यू, ठीक है, यस और नो वाली वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी, वहां से आपने क्या करना है, बस चूज कर लेना है। ठीक है, अभी दोबारा समझा देता हूँ एक बार, सभी लोग ध्यान से ठंडे दिमाग से समझ लेंगे एक्सेल में काम कैसे होता है। कोई कंडीशन लगानी हो तो क्या यूज करोगे, इज इक्वल टू इफ। अगर दो चीजें कॉम्बिनेशन में यूज कर हो तो इज इक्वल टू एंड, दो में से एक लेना हो तो इज इक्वल टू और। ठीक है, अब मान लो ये एक्सेल शीट है, आपके पास में एंट्रीज है यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 10, 50, 10, 20। ये चाहते हो इस कॉलम में, जो भी अगर इस कॉलम में आप चाहते हो कि सम हो जाए, एक तो आप ये चाहते हो कि यहाँ पे जोड़ आ जाए सबका, तो जोड़ के लिए क्या करोगे, इज इक्वल टू सम लगा दोगे। उसके बाद में क्या करोगे, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप क्या करोगे, डी टू, डी टू है ना ये, ये मान लो यहाँ पे एक एक कॉलम हो रहा था, वो कुछ कुछ लिखा रहेगा यहाँ पे, तो ये कॉलम कौन सा हो जाएगा, डी टू होगा, है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, डी टू इज इक्वल टू, अब सम कर दिया आपने, सम करना है किस किस का, ए वन, उसके बाद किसका सम करना है, सॉरी ए टू, बी टू और सी टू, इन तीनों का सम करके आपको क्या चाहिए, रिजल्ट। तो ये आपका कहां पर आ जाएगा, रिजल्ट डी टू में शो हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी प्रकार से यदि आपको कंडीशन लगानी हो कि यदि इन का जोड़, मान लो D2 में कोई भी जोड़ है, यदि वो मान लो 100 से ऊपर हो, 100 से ऊपर हो तो आपको करना है यस, और 100 से नीचे हो तो आपको करना है नो। तो कैसे लगाओगे, इफ लिखा, ब्रैकेट चालू हुआ, उसके बाद में मान लो आपको E2 में वैल्यू देनी है, तो E2 क्या करोगे, E2 की वैल्यू यदि 100 से ज्यादा है या इक्वल है, तो ये साइन होता है इक्वल और ज्यादा का, ठीक है, मुंह खुला रहे वो ज्यादा, तो E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये कर दिया, ये कब, जब आपका जो सम है, यानी कि ये जो वैल्यू है D2 वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, D2 वाली वैल्यू यदि आपकी 100 या इससे ज्यादा आती है तो क्या आंसर आना चाहिए, E2, और E2 में भी आंसर आप क्या चाहते हो, ऐसा हो तो क्या आना चाहिए, यस लिखा हुआ आना चाहिए। और अगली वैल्यू क्या आती है, अगर ऐसा ना हो, अगर 100 से ज्यादा वैल्यू ना हो, कम हो, तो क्या लिखा आना चाहिए, नो लिखा हुआ आना चाहिए, बस ब्रैकेट क्लोज।
ये बन गया फार्मूला। बात समझ में आई सबको? ठीक है, अधूरा 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 ही आ गया ना, ओवरऑल कर लोगे, उसमें 10 चीजें रहेंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक दो चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले एक तो इज इक्वल टू सबसे पहले आएगा, उसके बाद में कंडीशन आएगी, इफ आए चाहे सम आए चाहे जो आए, उसके बाद में ब्रैकेट शुरू होगा, ये बात याद रखना। और दूसरी बात एक याद रखना कि यस अगर पहले चाहते हो तो पहले आएगा यस और बाद में आएगा नो। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज आपको सिर्फ यस में जवाब मिले तो यहाँ पे किया यस, उसके बाद नो की जगह छोड़ दोगे खाली और ब्रैकेट बंद। समझ में आया? बस ये दो तीन चीजें चेक कर लेना, आंसर सोल्व हो जाएगा। छोड़ो, अब ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों को फिलहाल करके एक्सेल शीट खोलूं, चीजें दिखाऊं, कई समय लग जाएगा, है ना। इसलिए एक्सेल शीट का एक जनरल मैंने बता दिया है कि आप लोग ध्यान दे लेना। वो एग्जाम में पता है क्या करेगा, एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा, फॉर्मूला ऐसे भी लगा देगा, इफ इज इक्वल टू, फिर कुछ कुछ लिख देगा, तो आपको समझ में आ जाने चाहिए कि ये तो फॉर्मेट ही नहीं है, इफ इज इक्वल टू तो आएगा ही नहीं। दूसरा पता है क्या कर देगा, इज इक्वल टू कर देगा, यहाँ ब्रेकअट शुरू कर देगा, यहाँ पे इफ लगा देगा, फिर कंडीशन दे देगा। ठीक है, यहाँ भी आपने ध्यान देना है, इफ जो है वो कहाँ आएगा, ब्रेकअट के बाहर, इज इक्वल टू इफ ब्रेकअट के बाहर, उसके बाद ब्रेकअट शुरू होगा, या एंड भी हुआ तो ऐसे नहीं मिलेगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, इज इक्वल टू एंड और फिर ब्रेकअट। समझ रहे हो? तो इन चीजों का ध्यान दे लेना, बस छांटना आना चाहिए, इतना कर लोगे तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बोरिंग हो गया और 6 भी बजा दिए भाई, बहुत लंबा समय हो गया, 3-3 घंटे है कि नहीं, बट ठीक है, कल आप लोगों का एग्जाम है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी था, सभी लोग पढ़ लेना। कल के एग्जाम में क्या आएगा वो बता दिया है मैंने कि ये चीज़ें आने वाली हैं, ये टॉपिक्स आने वाले हैं, और डेफिनेटली सिमिलर ही रहेगा पैटर्न, देख लेना तुम लोग, एग्जाम दे के ही आओगे, पता चल ही जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन से आएंगे ही आएंगे, एवरेज से आ सकता है, हाँ ये भी है कि डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन से भी आ जाए, क्योंकि लेकिन अभी तक नहीं पूछा है, आप लोगों के में आ भी सकता है, जरूरी नहीं कि हर जो पेपर है वो सेम पैटर्न पे आए, रिसर्च एप्टीट्यूड में से बताओ तुम्हारे में आया था, गीता जी वाले में आया था, ठीक है, तो डायरेक्शन वाला, हाँ तो किसी में आ गया किसी में नहीं आया, तो आप लोगों को हाइपोथीसिस करना है, डायरेक्शन सेंस करना है, रिसर्च के स्टेप्स करने हैं, और जो आज मैंने कराया ये सब भी अब तो हो ही गया ये तो, ठीक है, कम्युनिकेशन करना है, टर्मिनोलॉजी करनी है आईसीटी और कम्युनिकेशन की, ठीक है, और लर्निंग के मॉडल्स कर लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और इन्वायरमेंट वाले में रीसेंट चीजें करनी है, और वाटर ट्रीटमेंट से संबंधित चीजें करनी है, नॉइस पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के लेवल्स करने हैं, और हायर एजुकेशन में रिकमेंडेशंस, किसी ना किसी कमीशन के रिकमेंडेशन से एक क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, 1000% लिखवा लो मेरे से, ठीक है, तो आप लोग रिकमेंडेशंस जरूर पढ़ के जाना, एंशियंट यूनिवर्सिटीज से एंशियंट एजुकेशन से क्वेश्चन बन सकता है, वो भी थोड़ा देख लेना, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कौन क्या था, ठीक है, एक द्वारपंडी था, वो शिवांशु उसको कुछ गलत समझ रहे थे, मैंने द्वारपंडी लिख के भेजा था, द्वारपंडी का मतलब है कि वो एडमिशन इंचार्ज था यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला में शायद, ठीक है, तो वो चीज ध्यान दे ले, ठीक है, पढ़ लेना सारी चीजें, ओके, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, शिवानी आकांक्षा दर्शना एंड शिवांशु, ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज रात अपना पढ़ लो, तैयारी कर लो, मैथ के डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, रेशियो प्रोपोर्शन बेसिकली और परसेंटेज ट्राई करो, सॉल्व करो, पढ़ के जाओ, ठीक है, और
पेपर टू तो आप लोगों की जितनी तैयारी है उतना ही हो पाएगा, मुझे नहीं लगता उसको आप बहुत ज्यादा आज पढ़ने की आवश्यकता है। पेपर वन पे आज फोकस करो, क्योंकि पेपर टू पे तो पूरी दुनिया कर रही है और जो चीज नहीं आती सो नहीं आती। एसआईसीआई के बारे में कुछ नहीं बोला सर, एसआईसीआई से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं क्या? अभी तक तो नहीं आए हैं, आ जाए तो कुछ कह भी नहीं सकते, अभी तक एसआईसीआई से नहीं आया क्वेश्चन। और ये नलटंकी वाले जो है टाइम एंड वर्क, एक काम करना फॉर्मूला लेके जाना, ठीक है जी, सिर्फ फॉर्मूला ले जाना एसआईसीआई में, तो वो आप लोगों को आता ही है। पीआरटी अपॉन 100 एक का हो गया, दूसरे का क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आरटी अपॉन आर अपॉन 100 की पावर टी, ठीक है टी, हाँ, ये हाँ। तो इसके अलावा नहीं इसके अलावा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क से आ रहा है, ठीक है। टाइम एंड वर्क से ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि दो लोग मिलके ए और बी मिलके एक काम को इतने दिन में करते हैं, बी और सी मिलके इतने में करते हैं, सी और डी मिलके सी और ए मिलके इतने में करते हैं, तो बताओ ए अकेला कितने में करेगा, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। और सर एक चीज और मैं क्या, हाँ इसके ऐसा ही सी आई की बस इतने बेसिक फॉर्मूला पे रहेंगे, पी इंटू आर इंटू टी, बेसिक बिल्कुल बेसिक, बस मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे लेकिन क्वेश्चन तो यही, मतलब फॉर्मूला एक ही यूज होना है और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अच्छा, और ये नहीं होंगे जो और दिए गए हैं? नहीं नहीं, लॉजिक रीजनिंग का सर ने एक सर क्या करवाया था, स्क्वायर क्या था वो, ए ऑल एस आर पी, उसका आपने डायग्राम से समझाया था सर, वो कोड क्या था, कॉन्ट्रारी, अरे हाँ कॉन्ट्रडक्टरी पढ़ाया था, कॉन्ट्रारी अल्टरन, पांच क्वेश्चन आए थे हमारे अल्टरन, हाँ प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, क्योंकि पांच क्वेश्चन लॉजिक रीजनिंग से आए थे, पांच के पांच इसी में से ही आए थे सारे, वहीं से आए थे कॉन्ट्रडक्टरी वाले पोर्शन से। हाँ डायग्राम को रट के चले जाना, क्योंकि सारे सम उसी में सॉल्व हो रहे हैं। ओके चलो, तो गीता जी वाले में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से थे पांचों क्वेश्चन, और बाकी मैं जो एग्जाम बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ उनमें लॉजिकल रीजनिंग से फैलेसी से ज्यादा क्वेश्चन है, हेतुवाभास से आ रहे हैं, तो इंडियन लॉजिक में हेतुवाभास और बाकी थोड़ा बहुत मैं तो कहूंगा कि न्याय फिलोसफी थोड़ा सा जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, न्याय, और बाकी तो बस ठीक है, सारी चीजें हो ही गई हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ ही लेना, इन्फ्रेंस आप लोगों को आना ही चाहिए निकालना, है ना, इमीडिएट कंक्लूजन जैसे हमने शुरू में बात की थी वैसा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। हाँ, और एक्सेल शीट का जैसा मैंने बताया, बस फॉर्मेट ध्यान रखना, फॉर्मेट यही रहेगा, अगर किसी चीज में दो कंडीशन दे रहा हो या तो ऐसे तो और यूज करना है, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी हो तो एंड यूज करना है, और सम करना हो तो SUM यूज करना है, एवरेज करना हो तो एवरेज यूज करना है, ठीक है, बस छांटना आना चाहिए इतना ही, बाकी आप लोगों को निकल के नहीं दे रहा। हाँ सब्ट्रैक्शन का अभी तक तो आया नहीं है, बाकी निकलवा के नहीं देखेगा आपसे, एग्जाम में निकलवाना नहीं है, वो बस देखना चाहता है कि आपको फार्मूला छांटना आता है कि नहीं, आपको फार्मूला की सही पहचान है कि नहीं है, बस इतना सा ही है, डरना नहीं है उससे, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, तो गलत हो जाए दो चार क्वेश्चन कोई टेंशन नहीं है, चलने दो, अपना टारगेट 30+ रखो, 50 में से 30 लेने हैं, 20 जाए तेल लेने, ठीक है एवरीबॉडी, तो घबराना नहीं, 10-20 क्वेश्चन ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं, जाओ बोलो भाई। सर एक चीज और, जो ये आपने बताया था इसमें इफ इज इक्वल टू इफ, उसके आगे जो अगर दो हो या दो का निकालना हो या उसमें और का हो, वो ब्रैकेट के अंदर आएगा बाहर आएगा, वो ब्रैकेट में भी आएगा और उसके बाद फिर ब्रैकेट चल पड़ेगी, अगर मान लो अंदर इफ और दो कंडीशन आ रही हैं, तो एक ब्रैकेट चलेगी इफ की, और इफ की ब्रैकेट में अंदर और आ गया, तो और के बाद एक ब्रैकेट फिर चलेगी और वाली। अच्छा, समझ गए, ऐसे डबल ब्रैकेट ट्रिपल ब्रैकेट ऐसे चल पड़ेगी। ओके ठीक है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा,
चारों लोग, और मेरी ओर से बड़ी शुभकामनाएं अपने गुरुजनों को, पिता को, माता को, सभी को याद करके, मेडिटेशन करके आराम से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार ओम, तीन बार शांति बोल करके आज के कक्षा का समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। कोई डाउट? डाउट नहीं है, डर है सर बस। अरे नहीं नहीं डरने का नहीं है, अभी हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है? कोई टेंशन नहीं, बोल दिया ना मैंने। अब बोल तो दिया, 10-20 क्वेश्चन गलत हो जाए तो टेंशन मत लेना, ठीक है? 10-20 में से मान लो तुक्के से 5 भी ठीक हो गए, 30 तो आपके पक्के हुए, और बचे हुए 20 में से डर से आपने, जैसे कॉम्प्रिहेंशन है 5 के 5 आने चाहिए, ठीक है? तो बचे हुए जो 30 में से जो अभी 20 बच गए, 30 में से है, अब 20 में से मान लो आपके 5 सही निकल गए, 15 गलत निकल गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 35 क्वेश्चन बेस्ट है भाई, टॉप कर जाओगे। सर कॉम्प्रिहेंशन में वो आएगा एक पैरा, उसमें ही आंसर होंगे सारे? बिल्कुल बिल्कुल, उसी में होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आ जाता है कि पूरे कॉम्प्रिहेंशन का थीम बताओ, थीम बताओ। अच्छा, थीम के लिए आपको हिंदी में भी पढ़ लेना उसको एक बार, कॉम्प्रिहेंशन को इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ताकि आपको थीम समझ में आ जाए, ठीक है? सर एक चीज और, ये जो डीआई के क्वेश्चंस हैं, ये जो इसमें केवीएस मैदान में है, इतने कर लिए काफी है? क्योंकि जो आपने आज कराया ये तो इसमें कहीं पे भी नहीं दिखा मुझे ऐसा। हाँ तो, नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता योग के पेपर में ज्यादा मुश्किल पूछेगा, क्योंकि ये भी होता है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के साथ में थोड़ा डिफिकल्ट देता है, योग के साथ में थोड़ा इजी देगा। मेरे को टेंशन हो गई। अच्छा, नहीं नहीं आपके में ऐसा है कि आप ध्यान रखना, एक तो इसको टेंशन इसलिए हो गई है क्योंकि आपने रेशो प्रोपोर्शन नहीं किया, आप पहले मैथमेटिक्स में जाकर के रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद में परसेंटेज वाले करिए, उसके बाद में आप डीआई करिए, हो जाएगा। मैंने तो करे हैं, लेकिन मैंने इसी केबीएस मैदान के करे हैं, पर ये क्वेश्चन जो आया था इसको देख के तो मैं वो भी भूल गई जो रेशियो प्रपोजल मैंने किया था। कोई बात नहीं, आप लोग अपने पे स्टिक रहो, जरूरी नहीं है आपके पास रेशियो प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन मिक्स होकर के आए, सिर्फ परसेंटेज बेस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो गीता जी को सिर्फ परसेंटेज बेस पे मिला था, इसलिए गीता जी के पांचों पांचों ठीक है, और बाकी लोगों का भी, राज को भी ऐसे ही डीआई मिला था, लेंदी जरूर था लेकिन सिर्फ परसेंटेज बेस था तो हो गया था, ठीक है? कुछ लोगों को और परसेंटेज पे ही मिल रहा है, कुछ को मिल रहा है ये रेशो वाला मिक्स में, हाँ एक एक में मिल रहा था, परसेंटेज में दिए हुए थे, तो परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना तो ईजी है ना भाई, कर लोगे, परसेंटेज परसेंटेज में टेबल बनी हो तो आप लोग पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? तो इजी हो जाएगा, बाकी रेशो वाला मिक्स कम ही चांसेस है, तो आप लोग घबराओ मत, नहीं आएगा, ठीक है? ओके चलिए, ठीक है फिर, बाय बाय सभी को, बेस्ट ऑफ लक, टाटा। ओम सर थैंक यू। ओम जी ओम। ओम सर थैंक यू। ओके ओम शिवानी जी एंड दर्शना जी अगेन।